गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग और गुड इवनिंग आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी से एक बार आप वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स पे और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी बच्चे क्लास ज्वाइन कर सकें। जल्दी जल्दी सबसे पहले हमने एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए ग्रुप पे, व्हाट्सएप स्टेटस पर, एफबी पर। उसके बाद हम जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि एचटेट के लिए आप सभी को पता है वैसे ही कम टाइम दे रखा है ना। हाँ, गुड इवनिंग भाई। आज मैथ्स का एक बेहतरीन सेशन होने वाला है जिसमें हम काफी कंसेप्ट क्लियर करेंगे एंड नंबर्स का, जिसके भी आता है पीजीटी पीआरटी किसी का भी हो, चाहे वो टीजीटी में हो पीआरटी का, चाहे 40 मार्क्स का लगा सकते हो टीजीटी पीजीटी में कोई भी सब्जेक्ट हो, 10 मार्क्स का जो भी आपका मैथ्स रहेगा आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। हाँ, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, टेंशन मतलब। जिन बच्चों ने मैथ्स की एक भी क्लास अभी तक अटेंड नहीं किया, अगर वो बच्चे भी ये सेशन देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि मैथ्स में आपका 80% का स्कोर होगा। जल्दी से सभी एक बार लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, एफबी पर, जितने भी हैं सभी शेयर कर दी। जो भी आपके रिलेटिव है जो एचटेट सीटेट किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं या जो वैसे भी जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनके भी एग्जाम में मैथ्स आता है। थैंक यू जी। हाँ, सभी एक बार लिंक को जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन में तो आपने पढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल आप फ्री रहे हो, है ना। हाँ, और एचटेट ने वैसे ही आपको तैयारी के लिए बहुत कम टाइम दिया है। और काफी बच्चों के डाउट थे। अच्छा विजय, क्वेश्चन ही क्वेश्चन बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो बताइए, करें स्टार्ट सभी ने, एक बार जल्दी से बता दीजिए, लिंक को शेयर कर दिया अपने ग्रुप्स में। हेलो मैम, बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं। बिल्कुल फ्री होके बैठना, टेंशन फ्री होके, ठीक है। क्लास स्टार्टिंग का टाइम बताया हमें कि 4 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, लेकिन एंड का कोई टाइम नहीं है। आज हम पूरा 10 मार्क्स का जो 30 मार्क्स का मैथ्स आएगा कंप्लीट करेंगे, किसी भी बच्चे का एक भी डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे। अपनी नोटबुक 2 दिन पहले ले लीजिए, कहीं एक बंद हो जाए तो फिर भागते फिर हो कि पेन बंद हो गया, जल्दी से अपने, ठीक है। हाँ, खाने वाने की अपनी तैयारी करके बैठना। ठंड का तो एक ही इलाज है विकास, और वो आपको पता ही है ना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से करेंगे हम,
बिल्कुल बेसिक में आपको नंबर्स का पता होना चाहिए कि कौन से नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे आपके होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, इन सभी का थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। पहले भी मैं हर बार आपको बताता हूँ कि आपके सभी को पता होगा कि नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होंगे, वन से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो सभी के सभी आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, जिनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका होल नंबर, होल नंबर आपको पता है कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, आपके होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इवन नंबर सभी को पता है डिविजिबल बाई टू होता है, ऑड नंबर सभी को पता है नॉट डिविजिबल बाई टू, जो दो से भाग हो जाती है वो कौन सी संख्याएं होती है, आपकी सम संख्याएं होती है, और जो दो से भाग नहीं होती वो आपकी कौन सी संख्याएं होती है, आपकी विषम संख्याएं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बताइए जल्दी से कौन से नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को अभाज्य संख्या का पता होना चाहिए और पता है भी, ठीक है। प्राइम नंबर बताइए कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके केवल दो ही गुणनखंड किए जाते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। फैक्टर की अगर बात करें तो फैक्टर क्या होते हैं आप सभी को पता है, फैक्टर क्या होते हैं, जिस नंबर को जितने नंबर कंप्लीट डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। अगर मैं बात करूं जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए 15 है, कि 15 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप ये बताइए कि 15 को कौन से नंबर डिवाइड करते हैं वो 15 के फैक्टर होंगे। 15 को 1 डिवाइड करता है आपका, 3 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है, 15 डिवाइड करता है, तो ये चार क्या होंगे आपके 15 के फैक्टर होंगे। जितने भी नंबर किसी भी नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेंगे वो उसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, ठीक है। हाँ टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब प्राइम नंबर तो आपको पता लग गया होगा, जिस भी नंबर के क्या हो, विच हैव ओनली टू फैक्टर्स कॉल्ड प्राइम नंबर, जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याएं कहां से शुरू होती है, आपकी दो से शुरू होती है, दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह, तेरह के बाद आपका आता है, ठीक है, सत्रह, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर के अंदर आपका टू ही एक ऐसा इवन नंबर होता है जो प्राइम नंबर होता है। टू को छोड़कर के बाकी जितने भी आपके प्राइम नंबर होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सिर्फ टू ही आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। टू को छोड़ करके जितने भी नंबर होते हैं सभी के सभी आपके क्या होते हैं, ऑड नंबर होंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं, आप अगर कोई भी कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हो वहां पे भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको हर चीज का पता होना चाहिए। सबसे पहले प्राइम नंबर में आपसे पूछा जाएगा फाइनल लीस्ट प्राइम नंबर, या कि सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जो मैं बोल रहा हूँ एक एक बात को सुनना, आराम से समझना और नोट करते रहना साथ के साथ, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आपको पता लगे टू से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, दो से शुरू होते हैं, दो तीन पांच, ठीक है, सभी के सभी क्या होंगे, प्राइम नंबर। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी कौन सी होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी, टू होगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया आपका। आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, मतलब इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा आपका, टू हो जाएगा। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि हाईएस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, तो भी क्या होगा, टू ही होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, टू। लिस्ट प्राइम, लिस्ट या फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा आपका, टू। फर्स्ट इवन प्राइम नंबर भी क्या होगा आपका, टू। हाईएस्ट प्राइम नंबर भी क्या होगा आपका, टू। एंड लिस्ट प्राइम नंबर भी क्या होगा, टू, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा, तो फर्स्ट एंड लिस्ट, सबसे पहले या सबसे छोटा और प्रथम, जो आपकी विषम अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, तीन होती है। और हाईएस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो हाईएस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा आपका, इंफिनिटी होगा। हाईएस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा आपका, इंफिनिटी होगा, ठीक है। लिस्ट क्या होगा आपका,
थ्री होगा और प्राइम नंबर, और हाईएस्ट क्या होगा आपका, इंफिनिटी होगा। इवन में अगर बात करें तो इवन में आपका लीस्ट प्राइम नंबर भी टू होगा और आपका हाईएस्ट प्राइम नंबर भी क्या होता है, टू होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन, कोई भी आपको नंबर दे देगा कहीं से कहीं तक भी, अगर मैं बात करूं, अगर आपको कहा जाए कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50, बताइए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, बताइए, 1 से 50 के बीच में, हाँ 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी। आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है, और पूछा भी गया है 1 से 50, 50 से 100, 1 से 150, 70 से 100, कैसा भी क्वेश्चन, तो आप बताइए 1 to 50, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, बताइए जल्दी से, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। तो देखिए 1 से 50 के बीच में आपके टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 50 के बीच में आपके टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं, हमेशा याद रखें, 1 से 50 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं आपके, 1 से 50 के बीच में आपके 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, 50 से 100 के बीच में 50 to 100 आपके टोटल 10 प्राइम नंबर होते हैं, 50 से 100 के बीच में कितने होते हैं आपके, 100 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, और 1 से 50 के बीच में आपके कितने होते हैं, 15 होते हैं, 50 से 100 के बीच में आपके कितने होते हैं, 10 होते हैं, 100 से 200 के बीच में आपके कितने होते हैं, 21 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपका बात करें 1 to 200, तो टोटल आपके 46 प्राइम नंबर होते हैं, ये डाटा आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। देखो, और आपसे अगर पूछा जाए कि 1 to 100 कितने होंगे, तो आपको पता होना चाहिए 1 to 100 टोटल आपके कितने प्राइम नंबर होंगे, 25 प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये डाटा आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 1 to 50 आपके कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 15 होंगे, 50 से 100 के बीच में कितने होंगे, 10 होंगे, 100 से 200 के बीच में कितने होंगे, 21 होंगे, अगर 1 से 200 की बात करें तो आपने इन सभी को ऐड कर दिया, कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, और अगर 1 से 100 की बात करें तो आपके कितने प्राइम नंबर होंगे, 25 प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। ये डाटा आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब देखो कैसे पूछ सकते हैं, अब आपको कहा जाए कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन, मैं बात करूं कि 30 to 90, कि 30 से 90 के बीच में कितने होंगे, तो आप कहोगे कि सर आपने 1 से 50 तो बता दिए, 30 से 90 क्या कैसे करेंगे, तो बताइए 30 से 90 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, जल्दी से बताइए बताइए। तो देखो फोन नंबर तो याद रख ही लेते हो या नहीं, तो एक कॉन्टैक्ट नंबर प्राइम नंबर का भी आप याद रखना, प्राइम नंबर का क्या कॉन्टैक्ट नंबर है लिख लीजिए 4, या इसको यहां पे लिखते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो क्या है, प्राइम नंबर का कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है 1 to 100 के बीच में जितने भी आपके प्राइम नंबर है सभी प्राइम नंबर्स का है, ठीक है। एक जो डिजिट है वो 10 नंबर्स के बीच के प्राइम नंबर, देखो अगर हम बात करें 1 to 10 कितने होंगे आपके, 4 होंगे, 10 to 20 भी 4 होंगे, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, मतलब 1 से 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। एक जो नंबर है वो 10 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 से 20 के बीच में आपके कितने होंगे, 10 से 20 के बीच में 4 होंगे, 20 से 30 के बीच में 2, 30 से 40 के बीच में। अब देखो आपसे पूछा गया था 30 से 90, तो आपने देखा 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, अब 30 से 90 के बीच में पूछा गया था, तो 90 तो यहीं तक होंगे, आप इन सभी को ऐड करके बता दिए 2 + 3 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 3 = 12, 12 + 2 कितना होगा 15, तो आप कह दोगे कि 30 टू 90 के बीच में आपके टोटल कितने प्राइम नंबर होंगे, 15 प्राइम नंबर होंगे,
ठीक है। अगर आप ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर जो प्राइम नंबर का फोन नंबर है ये आप याद रखोगे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है, आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। वैसे अगर आप करोगे तो हो सकता है आप 77 को भी प्राइम नंबर पढ़ लो, आप 63 को भी प्राइम नंबर, तो उसमें आपके क्या होंगे, गलती होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो हम ये याद रखेंगे, ये जो कोड है 1 to 100 तक के प्राइम नंबर्स का कोड है, सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो कोड होगा वो 100 to 200 में लिख लो, पूछा नहीं जाएगा लेकिन लिख लीजिए कि 100 से 200 के बीच में जो प्राइम नंबर होंगे उनका कोड क्या होगा, तो बताइए उनका कोड होगा 4 1 1 3 1 2 2 2 1 4, ये कोड होगा। आप इन नंबर्स को ऐड करोगे तो आपके पास 24 आएगा, इन नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 21 आएगा, और इनको ऐड करोगे तो आपका 25 आएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 46 आएगा। दो फोन नंबर है, ठीक है, हाँ दो फोन नंबर तो आप चलते चलते याद कर लेते हो, तो इसलिए इनको भी याद कर लेना, ये काम की है। बाकी आपका जो फोन नंबर डायरेक्ट याद रखते हो वो आपके बेकाम के नंबर होते हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर के ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन बनेगा कि किसी भी नंबर को देकर आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, प्राइम नंबर पूछा जाएगा कि इन नंबर्स के बीच में प्राइम नंबर्स कितने होंगे, बताइए आ गया समझ में। हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिट नंबर, तो ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होगा आपका, कंपोजिट नंबर को बोलते हैं जो इंपॉर्टेंट होगा वही करवाएंगे, टेंशन मत लो। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आप क्या होते हैं, विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे भाज्य संख्या, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे वो क्या होगी आपकी भाज्य संख्या, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। कंपोजिट नंबर जो आपके होते हैं वो आपके 4 से स्टार्ट होते हैं, 4 के बाद क्या होगा आपका 5 नहीं होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा आपका, 10 होगा। कंपोजिट नंबर में अगर आपसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी, सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी क्या होगी आपकी 4 होगी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी 9 होगी, और अगर इसमें बड़ी की बात करते हैं तो दोनों केस में इंफिनिटी होगा, 3 केस बनेंगे, चाहे सबसे छोटे पूछे, चाहे सबसे बड़ी पूछे, या हाईएस्ट कंपोजिट नंबर पूछे, तो तीनों केस में क्या होगा आपका इंफिनिटी ही आंसर आएगा, ठीक है। सबसे छोटे पूछता है तो क्या आएगा आपका 4 आएगा, सबसे बड़ी पूछता है तो क्या आएगा आपका इंफिनिटी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपको पता है रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिन नंबर्स को हम p / q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपके रैशनल नंबर होते हैं, जिन नंबर्स को हम p / q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर होते हैं। जिन नंबर को हम क्या लिख सकते हैं p / q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपके रैशनल नंबर होते हैं, जिन नंबर्स को हम p / q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। आपसे कोई भी चार ऑप्शन देके पूछा जाएगा कि इनमें से रैशनल नंबर कौन सा हो सकता है या इरेशनल नंबर कौन सा हो सकता है, तो देखो रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, आपके ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी की सभी क्या आपकी रैशनल नंबर है, जितने भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं सभी के आपके रैशनल नंबर है, ठीक है। कोई भी नंबर अगर पॉइंट में लिखा गया, जैसे आपने 0.5 लिख दिया, ये आपका एक रैशनल नंबर है। अगर आपके पास पाई की वैल्यू मिल गई 22/7 लिखी हुई कहीं पे, तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। आपके पास अगर कोई नंबर ऐसे मिल गया जैसे हमने लिख दिया 0.7 और 7 के ऊपर एक बार आ गया, ठीक है, तो इस टाइप के नंबर को भी क्या करेंगे, रैशनल नंबर में काउंट करेंगे, ठीक है। अब
और कोई भी नंबर है जो फ्रैक्शन में होगा वो तो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा ही होगा। रैशनल नंबर में एक होता है कि कोई भी नंबर रैशनल तभी होगा जब उसका डिनोमिनेटर किसके इक्वल नहीं होता, जीरो के इक्वल नहीं होता। आपको मिल पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है वो नंबर आप रैशनल नंबर में काउंट कर सकते हो। ठीक है, इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर में पाई आपका एक रैशनल नंबर है, जिस भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो भी आपका इरेशनल नंबर होता है। पाई आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जिस भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो भी आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर कोई भी नंबर आपको ऐसे मिल जाता है जैसे 0.23457239 और इन्फिनिटी, तो इस टाइप का अगर कोई भी नंबर आपको मिल जाता है तो ये नंबर भी क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो रैशनल इरेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई क्या होगा, आपका एक इरेशनल नंबर होगा, जिस भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो भी आपका इरेशनल नंबर होगा। कोई इस टाइप का नंबर है वो भी क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर में बार वाले नंबर इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए जिन नंबर्स के ऊपर बार होते हैं उनको रैशनल में काउंट किया जाता है। पाई की अगर वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाती है 22/7, ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जितने भी आपके नेचुरल नंबर है सभी के सभी क्या होंगे, आपके रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, बताइए अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने ग्रुप में और लाइक करते जाइए। ठीक है, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और लाइक करते चलिए, हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके हमसे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके, सभी का भला हो चुके। ठीक है, हाँ बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है, अगर डाउट है तो आप एक बार पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट आता है आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाएगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कोई भी अगर नंबर लिख दिया जाए जैसे 5, 7, 2, 3, 4, आपसे पूछा जाए कि 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू और आपको फेस वैल्यू बताना है। तो किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे आपकी 2 की आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो प्लेस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, मैं 2 लिखूंगा और 2 के बाद ये देखिए कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है तो 2 0 लगा दीजिए, ये 2 की क्या होगी, प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है, अगर मैं 2 की फेस वैल्यू की बात करूं तो 2 ही इसकी क्या होगी, फेस वैल्यू होगी। जिस नंबर की फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं आपका जातीय मान, और प्लेस वैल्यू को, प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। फेस वैल्यू को क्या बोल लेंगे, जातीय मान, और प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोल लेंगे, स्थानीय मान। ठीक है, अब नंबर ले लेते हैं, मान लो 7, 5, 2, 1, 9, 8, आपसे पूछा जाए कि 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा या एडिशन क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 5 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो आप ये बताइए 5 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा, आप लिखोगे 5, 5 के बाद आप देखिए कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो इसके बाद कितनी जीरो आप ऐड कर दोगे, 4 0 ऐड कर दोगे। ठीक है, अब 5 की अगर आपसे फेस वैल्यू पूछे तो क्या रहेगी, 5 ही रहेगी। अब आपसे अगर पूछा जाए कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो दोनों का डिफरेंस आप दोनों को डिफरेंस कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, दोनों का एडिशन क्या होगा, तो आप 50,000 में 5 को ऐड कर दोगे। ठीक है, और डिफरेंस पूछा जाए तो कितना आ जाएगा आपका, 49,995। वेरी गुड मनी सर। ठीक है, साथ के साथ आंसर देते चलिए, एक एक बच्चे का मैं आंसर देख रहा हूं। ठीक है, गलत आंसर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती करके ही इंसान सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिट डिजिट के ऊपर, इकाई अंक के ऊपर। इकाई अंक के ऊपर कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, इकाई इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छे से कंसेप्ट से, जल्दी ही मैं 5 मिनट में इसका पूरा कंसेप्ट आपको समझा दूंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके पास अगर कोई भी नंबर लिखा है 2357, आपसे पूछा जाए कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा आपका, 7 होगा। इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा आपका, 7 होगा। अगर आपको दे दिया जाए 235 इंटू में 13
सेवन इंटू में 159, और आपसे पूछा जाए इस सीरीज का यूनिट डिजिट क्या होगा। आप अगर यूनिट डिजिट निकाल रहे तो सिर्फ आप यूनिट डिजिट से ही मतलब रखिए, बाकी नंबर को आप भूल जाइए, ठीक है। तो अब आपसे अगर यूनिट डिजिट पूछा है तो आप यूनिट डिजिट से मतलब रखना है, बाकी नंबर को भूल जाना है। तो देखो 235 का इकाई कितना है, 5 है, 137 में कितना है, 7 है, 159 में कितना है, 9 है। तो आप इन नंबर्स की मल्टीप्लाई, ये तो मल्टीप्लाई कर दिए, 5 7 35, 35 का क्या आएगा 5, और 5 नी में क्या होगा 45, 45 का क्या होगा 5। तो आपको पता लग गया कि यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 आएगा। दोबारा से आप देखिए, 5 की अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 सत्ते क्या होगा 35, 35 का आपको 35 पूरा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप यूनिट डिजिट निकाले। तो यूनिट डिजिट में देखिए आपके पास क्या है, 5 आ गए, फिर इस 5 के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, 5 गुना में 9 कितना होगा 45, तो 45 का यूनिट डिजिट आपका क्या होगा 9 होगा। 45 का यूनिट डिजिट, सॉरी 45 का यूनिट डिजिट आपका क्या होगा 5 आएगा, तो 5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास आ जाए 167 इंटू में 288 इंटू में 133 इंटू में 264, आपसे पूछा जाए यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 7 8 56 कितना आएगा 6 6 3 18 8 8 4 32, तो 32 का क्या आ गया 2, तो 2 आपका क्या आएगा इकाई। देखो 7 गुना में 8, 7 8 56 6 आ गया, 6 3 18 का क्या आएगा 8, 8 4 32, 32 का क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 क्या होगा आपका इकाई अंक होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद लिख लीजिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि 136 की पावर अगर आपके पास आ जाती है 27, आपसे पूछा जाए इकाई क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो देखो 136 की पावर 27 का इकाई अंक क्या होगा। अब ये तो है नहीं कि हम 136 को 27 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो होगा नहीं कि हम 136 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 27 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 4 ऐसे डिजिट्स होते हैं क्या, 0 1 5 एंड 6, ये 4 ऐसे डिजिट होते हैं जिनकी पावर कोई भी n नंबर हो, n का मतलब है नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 कहीं से लेकर कहीं तक की पावर हो, इन चारों का यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है। 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, कुछ भी आ जाए ये चारों हमेशा क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, ठीक है। 0 हो किसी के लास्ट में, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इन चारों का यूनिट डिजिट क्या रहेगा आपका हमेशा सेम रहेगा, कभी भी यूनिट डिजिट क्या नहीं होगा आपका चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए 136 की पावर 27 है, तो आपने देखा कि यहाँ पे कितना है 6 है, इकाई अंक 6 है, तो पावर कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक कितना रहेगा 6 है, इकाई अंक 6 है, पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक कितना रहेगा आपका 6 ही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपके पास मान लो, अब 4 अंक तो आपको आगे उसके बाद आता है, देखो अगर आपके पास आ जाता है 133 की पावर है 27, आपसे पूछा जाए इकाई अंक क्या होगा। देखो 133 की पावर है 27, अभी अभी आपने देखा कि 0 1 5 6 का तो आपने कर लिया कि इन चारों का तो क्या आएगा सेम आएगा, 0 होगा तो 0 आ जाएगा, 1 होगा तो 1 आ जाएगा, 5 होगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 6 होगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास है 133 की पावर कितनी है 27, तो इसमें आप क्या करोगे, जो भी पावर होती है उसको हमेशा 4 से भाग करो, सबसे पहले जो भी आपकी पावर है, पावर है, पावर को किससे भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा, 4 से भाग करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को, उस रिमाइंडर को जो भी आपका यूनिट डिजिट होगा उसकी पावर डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, उस आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखिए पावर क्या है आपकी यहाँ पे 27 है, मैंने कहा है जो भी पावर है उसको 4 से भाग कीजिए, तो हमने 27 को किससे भाग कर दिया 4 से भाग कर दिया, 4 छिके कितना हो गया 24, शेष कितना बचा 3। मैंने बताया पावर को 4 से भाग करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा मतलब जो भी शेषफल बचेगा, तो 4 से हमने भाग किया, शेषफल आपका कितना आ गया 3, जो भी शेषफल बचेगा उसको यूनिट डिजिट की पावर डाल दी, यहाँ पे कितना है 3 है, अगर मैं 3 की पावर 3 डालता हूं तो आपको पता है 3 गुणा में 3 गुणा में 3
तीन तिया नौ तिया सत्ताईस, सत्ताईस का है तो सत्ताईस का यूनिट डिजिट क्या होगा आपका, सात होगा। तो सात आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये जो मेथड है ये आप किसी में भी लगा सकते हो, ये जो मेथड है ये आप किसी में भी लगा सकते हो, चाहे आपके पास कोई भी नंबर जीरो हो, वन हो, फाइव हो, सिक्स हो, इनमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, उसमें आप ये मेथड लगा दीजिए, आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। देखो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था टेट में, क्वेश्चन आया हुआ आपका टेट में, क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन है लिख लीजिए। क्वेश्चन है, अब स्टार्ट हो जाइए भाई पेन कॉपी लेके, 3 की पावर 65 इंटू में 6 की पावर 59 इंटू में 7 की पावर 71, ये एक क्वेश्चन आया हुआ था टेट में आपका, ठीक है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए फाइंड द यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आप जल्दी से बताइए। अब तैयार हो जाइए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सेशन करने के बाद आप टेंशन फ्री रहो, आपके 80% मार्क्स की मैं गारंटी लेता हूँ। जिन जो बच्चे आज की सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे लेंगे ना, उनके लिए इससे बाहर जो आज कंसेप्ट बताए जाएंगे उससे बाहर अगर एक क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप आके मुझे पकड़ लेना, लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड पे, ठीक है। हाँ टू आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए, सेवन टू, और किसी का कोई आंसर, जल्दी जल्दी से बताइए। रविंद्र कुमार टू। देखो मैंने अभी अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे किससे, चार से। तो आप ये बताइए कि पावर 3 की पावर 65 है, चार से भाग करेंगे, चार 16 चौके 64 होता है, शेष एक बचेगा। अगर 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, बताइए 3 आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद 59 है, 59 को आप भाग करना चाहो तो भाग कर लो, अदरवाइज अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 6 की पावर कुछ भी हो तो क्या रहेगा आपका, 6 होगा। उसके बाद आता है 71, 71 को अगर आप 4 से भाग करोगे तो आपको पता है कि 17 चौके कितना होता है 68, यहाँ पे आपका शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 7 की पावर जैसे ही आप 3 डालोगे तो आप देखिए 7 की 3 बार गुणा करने पर क्या आएगा, 7 × 7 = 49, 9 × 9 = 63, मतलब 3। तो यहां से आपका इकाई कितना निकल के आया, 3, और क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है। तो आप ये बताइए 3 × 6 = 18, 18 का क्या रहेगा 8, 8 × 3 = 24, 24 का क्या आएगा 4, तो 4 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, इकाई का आ जाएगा। वेरी गुड दिनेश कुमार एंड मनीषा, बाकी सभी के नहीं आए समझ में, हाँ अब तो आई जाएंगे आंसर पता है मुझे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे किससे, चार से। जैसे ही हमने पावर को चार से डिवाइड किया तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, 3 की पावर 1 = 3 आ गया, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 × 6 कितना होगा 18, 8 आ गया, 8 × 3 = 24, तो 24 का आपको पता है इकाई कितना आएगा, 4 आएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाँ वेरी गुड हिमानी, ठीक है। जो बच्चा सबसे पहले आंसर बताएगा उसका नाम अनाउंस किया जाएगा, टेंशन फ्री रहो, फर्स्ट का भी किया जाएगा, सेकंड का भी किया जाएगा, पूरी क्लास होने के बाद उसका प्राइस मैं डिसाइड करूंगा कि क्या देना है उसको, हाँ ओवरऑल निकाल के, टेंशन फ्री रहो, रैंकिंग में आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 1000 की पावर दे रखी आपको 9, ठीक है, पीजीटी में आया वो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर, ठीक है, डिवाइड बाय है 10 की पावर 24 इज इक्वल्स टू क्या होगा, बताइए बताइए। टेन की पावर है 9 डिवाइड बाय सॉरी 1000 की पावर है 9 डिवाइड बाय 10 की पावर है 24, आपसे पूछा गया है इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। विकास जी आपका आंसर गलत है, ठीक है,
रीना शर्मा आपका आंसर भी गलत है, बताइए क्या आंसर है। 10 की 3 100 10 की 3 अपना, वेरी गुड, ठीक है। ऑप्शन दो, डायरेक्ट हो जाएगा। सेम कितना आएगा विनीता, सेम लिखे तब तक आंसर ही लिख देते हैं। जल्दी से अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करते चलिए, ठीक है, और लिंक को शेयर कर देना सभी के सभी अपने ग्रुप्स में, और अपने रिलेटिव को भी फोन करके बोल देना, ये मत सोचना कि सभी का पास होना जरूरी है। देखो इतना आपका 10^24, ठीक है। अब आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस के एक दो रूल पाओ, तो देखो ए की पावर एम की पावर अगर एन है तो ये होगा ए की पावर एम इंटू में एन, ठीक है। अगर ए की पावर एम इंटू में ए की पावर एन है तो आपका होता है ए की पावर एम प्लस एन, क्या होगा एम प्लस एन, और ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन है तो आपका होता है ए की पावर एम माइनस क्या होगा एन हो जाएगा, ठीक है। और ए की पावर एम की पावर एन होता है तो ये होता है ए की पावर एम की पावर एन, ठीक है। और अगर ऐसे आ जाता है ए की पावर माइनस एक्स इक्वल होगा एक वन बाई ए की पावर एक्स, ठीक है। ये सर्ट्स एंड इंडिसेस के रूल है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक मैंने बताया, वैसे तो काफी कंसेप्ट है, ठीक है, बिल्कुल इजी थी, जो आपके यूज होने लायक है वो मैंने आपको बता दी। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं जो आपको पढ़ा दी उससे बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। बेफिक्र होके सो जाना आज की क्लास लेके, आज की क्लास इसको पूरी समझ में आ जाए उसके बाद एचसेट का पेपर देने के लिए उठ लेना, ठीक है। हाँ 15 दिन सोते रहना चाहिए मैथ्स की ओर से। तो देखो 10^3 की पावर 9 है, तो अभी अभी पढ़ा है हमने a की पावर m, की पावर n क्या होता है a की पावर m इंटू में n, तो 3 × 9 क्या होगा 27, तो 10 की पावर क्या होगी 27 डिवाइड बाय 10 की पावर आपको बता रखी है 24। अब आप ये बताइए a की पावर m है और a की पावर n है तो क्या होगा a की पावर m माइनस n, ये वाला हम यहाँ पे लगा दें क्योंकि बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस। तो आप ये बताइए 10 की पावर क्या होगा 27 माइनस 24 3 होगा और 10 की पावर 3 क्या आ जाएगा आपका 1000, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। मतलब 10^3 आपका आंसर कितना आ जाएगा 1000 आपका आंसर आ जाएगा। इतना स्टेप आपको समझाने के लिए बताएं, अगर आपकी प्रैक्टिस होती है तो आप डायरेक्ट आपको पता है कि 1000 तो क्या होता है 10^3 9 10 27 27 में से 24 माइनस कर देंगे हम 27 में से 24 तो कितना बचेगा 3 बचेगा और 10^3 आपका क्या होता है 1000 होता है और 1000 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। डन है, करें नेक्स्ट, जल्दी से बताइए यहां तक आ गया 100 की पावर 15। हाँ इससे बड़ी पावर भी लिख सकते थे आंसर में, 15 से बड़ी 100 की पावर 100 ही बता देते, कम क्यों कर दी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6912 / 8 / 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा बताइए। 2018 का क्वेश्चन है, इसी टाइप से पूछा गया था 6912 / 8 / 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा बताइए क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। 6912 / 8 / 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू।
216 गलत नहीं है वैसे, बताइए 216 गलत नहीं है। ठीक है, 3, 4, 5, 6 आंसर नहीं हो सकता, 3, 4, 5, 6 आंसर नहीं हो सकता, इसको ऐसे नहीं कर देंगे। बताइए कि 4 × 8 और 2 से करेंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 3456, ऐसे नहीं करेंगे क्या? ये आंसर ठीक नहीं है, बताइए, मेरे को ये ठीक लग रहा है। अंजु अर्चना रेनू बताइए, जल्दी से बताइए। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, मैं तो बताऊंगा, आप बताओ। देखो ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। हाँ तो आप सभी समझदार हो, इसको ऐसे करेंगे, डिवाइड बाई 8 लिख रखा है, डिवाइड बाई 4 लिख रखा है, इसके बाद आपके गलतियां होने के चांस ही नहीं बचेंगे। अब मैं मेथड बता रहा हूं उससे, ठीक है। आपको पता है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 6912, डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 होता है तो 1/8 हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका 1/4 होगा, ठीक है। इसको आप काट दीजिए, 8 से कटेगा तो 8 × 8 = 64 होगा, ठीक है, 5 बचेगा, 8 × 6 कितना होगा 48, 8 × 4 क्या होगा 32, 4 से करोगे तो 4 × 2 क्या होगा 8, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, आपका आंसर कितना आ जाएगा 216 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है, तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये नहीं कि डिवाइड के आपके यहाँ पे चाहे दो ही साइन दे रखे हो, आपको कितने भी साइन दे रखे हो यहाँ पे, 2 के बजाय 1, 2, 3 आगे कितने भी, सभी को आप ऐसे लिख लीजिए, कभी गलत होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ सभी साइन को आप जो डिवाइड में है उनको ऐसे लिख लीजिए, कभी आपका आंसर गलत आएगा ही नहीं। हाँ आ गया समझ में। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 756 क्वेश्चन है, 756 प्लस 287 का स्क्वायर प्लस 756 माइनस 287 का स्क्वायर डिवाइड बाई है आपके पास 756 इनटू में 756 प्लस में 287 मल्टीप्लाई 287 287 इज इक्वल्स टू क्या होगा, बताइए जल्दी से। बताइए, हाँ हाय लो, बाद में चलेगा, अभी थोड़ी देर पढ़ लो, पढ़ने का टाइम है अभी, है ना। हाँ बताइए, आपके पास क्वेश्चन है 756 प्लस 287 का स्क्वायर प्लस में 756 माइनस 287 का स्क्वायर डिवाइड बाय 756 इनटू में 756 प्लस में 287 मल्टीप्लाई बाय 287, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए देखो आपको दो फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। दो फॉर्मूले क्या है, देखो एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर किस किस को याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को याद है, ये तो सभी को पता होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है 4 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के,
ठीक है, फोर ए स्क्वेयर प्लस में किसके होता है, बी स्क्वेयर के इक्वल होता है। एक आपका ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस होता है ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इक्वल होता है आपका फोर ए बी के, ठीक है। हाँ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में टू ए बी आपका ए प्लस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है और ए माइनस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला है। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलाज को ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा फोर इंटू में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। सेम ऐसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस में कर दोगे, अगर इन दोनों फॉर्मूलों को आप ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट ये आएगा, अगर आप इनको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, फोर ए बी आएगा, ठीक है। दोनों के दोनों सभी नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, दोनों के दोनों इनको नोट कर लीजिए आप। ए प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इक्वल होता है आपका ए स्क्वेयर, फोर इंटू में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इक्वल होगा आपका किसके, फोर ए बी के इक्वल होगा, ठीक है। और बेसिक फॉर्मूले आप सभी को पता ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में टू ए बी, माइनस है तो आपका माइनस टू ए बी हो जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब आपको पता होगा, तो ये बेसिक फॉर्मूले। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसको अगर मैं 756 को ए बोल दू और इसको बी बोल दू, तो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वेयर होगा या नहीं होगा बताइए, और ये किसके इक्वल होता है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वेयर और a माइनस बी का होल स्क्वेयर आपका किसके इक्वल होगा, 4 इंटू में a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर के इक्वल होगा, 4 इंटू में a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर के इक्वल होगा या नहीं होगा, तो ये होगा आपका 4 इंटू में a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर के इक्वल हो जाए, बताइए। अब ये आपका a है और ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका क्या है, b है, तो अब ये बताइए यहां से क्या आएगा, ए स्क्वेयर आ गया और यहां से क्या आ गया आपका, बी स्क्वेयर आ गया, तो ये होगा ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर के इक्वल, ये किसके इक्वल होगा आपका, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर के इक्वल होगा, ठीक है। तो ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर के इक्वल होगा, तो इससे कैंसिल, एक मिनट भाई, ठीक है, छोटी सी गलती होगी यहाँ पे, आप करेक्शन कर लीजिए, ये जो होता है ना ये आपका फोर नहीं होता, ये टू होता है, टू इंटू में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर होता है, सॉरी ये फोर नहीं होता, यहाँ पे क्या आएगा आपका टू आएगा, ठीक है, फोर यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, फोर ही आएगा, यहाँ पे फोर की जगह पे क्या आएगा आपका टू आएगा, तो आपका किसके इक्वल होगा, आपका रिजल्ट क्या आएगा, टू आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, फोर की जगह पे क्या आएगा, टू आएगा, 2 इंटू में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, और ये किसके इक्वल होता है, 4, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 आंसर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आएगा आपके पास रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 और आपके पास ये रहेगा ऐसे कंटिन्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, और एक आपके आपके पास आ जाए 20 माइनस 20 माइनस 20 और आपके पास इज इक्वल्स टू क्या होगा बताइए। दो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान आसान से, बताइए क्या है, रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 और ये आपका इंफिनिटी तक है, ऐसे ही आपका 20 रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 और ये आपका कहां तक है, इंफिनिटी तक से। आपसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू, इन नंबर्स की आपकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए इन नंबर्स की वैल्यू क्या होगी, इन नंबर्स की वैल्यू क्या होगी,
अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर करते रहना और लाइक करते रहना, ठीक है, और अपने पड़ोसियों को भी बताते रहना कि आज हम पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब ना करें। और जो बच्चे भूल गए उनके लिए एक बार लिंक को दोबारा से अपने शेयर कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने लिंक को शेयर कर देना ताकि सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। मंजीत दी थैंक यू, धन्यवाद। पड़ोसियों को भी बुला लो। हाँ सही बात है, क्योंकि इतना अच्छा एक आधी बार पढ़ने को मिलता है, कोई कोई पढ़ाने वाला साल 6 महीने में। अब लॉकडाउन बाद में पहली बार आया हूं, है ना, 1 साल हो गए, बच्चों ने कई बच्चों तो भूल भी गए होंगे कि हमारे सर दिखते कैसे हैं। बताइए, तो √12 + √12 + √12 आपका है इंफिनिटी, तो क्या आएगा? देखिए सबसे पहले ध्यान रखना, आपको इसका बेस्ट कंसेप्ट बता रहा हूं और कैसे करना होता है ये काफी टीचर इसको गलत भी बता देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ये कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके पीछे भी कंसेप्ट है और फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इस वाले इन क्वेश्चन को आप देखिए, आपके पास 2 क्वेश्चन है लगभग एक जैसे हैं, एक में प्लस का साइन है एक में माइनस का साइन है, ठीक है। गलती कहां पे होती है, सबसे पहले आप इस नंबर के फैक्टर बनाइए, आपके फैक्टर बनाए आपने देखा 4 + 3 क्या हो जाएगा 12, और आपने इसके फैक्टर बनाए तो आपके पास क्या है 5 और 4 के फैक्टर, बताइए फैक्टर यही होंगे, 4 × 3 = 12, 5 × 4 = 20। सबसे पहले आप क्या करोगे, फैक्टर बनाओगे, ठीक है, पड़ोस सॉरी 12 है तो 12 के फैक्टर बनाएंगे, 4 और 3 = 20 के फैक्टर बनाएंगे, क्या 5 और 4। अगर आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन है तो आंसर होगा आपका बड़े वाला नंबर, अगर आपके पास यहाँ पे माइनस का साइन है तो आंसर होगा आपके पास छोटे वाला आंसर, ठीक है। अगर आपके पास क्या है बड़े प्लस का साइन है तो आपका आंसर होगा क्या, बड़े वाला नंबर। नंबर के फैक्टर बनाएंगे, 12 के फैक्टर आपने बताए 4 और 3, ठीक है, 20 के आपने फैक्टर बनाए 5 और 4। अगर आपके पास यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है, अगर आपके पास यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है तो आपका आंसर क्या होगा, बड़े वाला नंबर, और आपके पास अगर माइनस का साइन है तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका छोटे वाला नंबर, ठीक है। प्लस का साइन है तो बड़े वाला होगा और माइनस का साइन है तो क्या होगा, छोटे वाला होगा। अब देखो कई कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर 12 के फैक्टर तो क्या होंगे, 6 और 2 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिन दो फैक्टर का डिफरेंस 1 हो, ठीक है, आपको फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिन दो नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। अगर आपका डिफरेंस 1 है तभी आप ये अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास ऐसा नंबर ही नहीं है कि जिसके ऐसे फैक्टर बन जाए, जैसे मैं कहूं या गया समझ में, अगर ये एक नंबर लिख लेते हैं, अब देखो दूसरा नंबर अगर मैं कहूं कि आपने मान लो ये ले लिया, मान लो मैं कह दूं कि आपने ले लिया 15 + 15 ठीक है, ये मोस्टली टीचर गलत ही पढ़ाएंगे आपको, जैसे ही कहेंगे ये वाला कंसेप्ट बता देंगे तो बच्चों को बताएंगे कि 15 के बेटा फैक्टर कर दो, 5 × 3 = 15 होता है, प्लस का साइन है तो आंसर 5 आ जाएगा, और माइनस का साइन है तो आपका आंसर 3 आ जाएगा, लेकिन ये गलत है, ये वाला कंसेप्ट इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। ये कंसेप्ट तभी लगेगा जब दो फैक्टर आएंगे और उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। अगर दोनों का डिफरेंस 1 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ दोनों का अगर डिफरेंस 1 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, गलत। फिर इसको कैसे करते हैं, फॉर्मूला लिखिए, देखो वो मैं इसके ऊपर भी अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। फॉर्मूला क्या होता है आपका, लिखिए इसको करने का, याद रखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखिए √4x + 1 + 1/2 + 1/2
प्लस वन डिवाइड बाई क्या होगा आपका, टू होगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, रूट फोर एक्स प्लस वन, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा, और डिवाइड बाय क्या होगा, टू होगा। ये देखो मैं अप्लाई करके आपको बताता हूं। अब आपने देखा कि 20 आपने रख दिया, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो मैंने रखा 20 गुणा में 4, 20 चौके कितना होगा आपका 80 होगा, 80 प्लस में 81 होगा, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का होता है, तो 9 प्लस में 1 10, 10 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो 5 आंसर आ जाएगा। कब आएगा लेकिन वो, जब प्लस का साइन हो तो यहाँ पे प्लस आएगा और माइनस का साइन हो तो यहाँ पे माइनस। अब देखो आपके पास 20 में माइनस का साइन है तो आप करोगे 20 चौके 80, 80 प्लस में 1 कितना होगा 81, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का होता है, 9 माइनस में 1 करेंगे तो आपका कितना आएगा 8 आएगा, और 8 को 2 से भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर हम 8 को किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसमें ये नहीं लगेगा, इसमें ये नहीं लगेगा कि आप ये कह दो कि सर 5 और 3 फैक्टर बढ़ा देंगे, 5 और 3 बढ़ा देंगे, आपको टीचर ये बताएंगे कि बेटा अगर प्लस हो तो 5 हो जाएगा और माइनस होगा तो 3 हो जाएगा, लेकिन ये मैं कहता हूं 100% गलत है, ठीक है। आपको कैसे करना, आप ये बताइए 15 चौके 60 होगा, 60 प्लस में कितना होगा 61, 61 किसी का स्क्वायर होता है तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा वहां पे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का ही यूज करना पड़ेगा। ये तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब दो ऐसे फैक्टर निकल के आए जिनका डिफरेंस आपका कितना है, 1 आए। उस केस में अगर प्लस हो तो बड़े वाला आंसर, माइनस हो तो क्या होगा छोटे वाला। अगर आपका डिफरेंस 1 का नहीं है तो आप क्या करोगे, ये दो फॉर्मूले याद कर लो, ये दोनों आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर आपका डिफरेंस किसका नहीं है तो, 1 का नहीं है तो आप क्या करोगे, 15 चौके 60 प्लस 1 61 हो जाएगा, रूट 61 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, आपका एक आंसर ये होगा। अगर इनके बीच में माइनस का साइन आ गया तो आपका क्या आ जाएगा, 15 4 60 प्लस 1 रूट 61 माइनस 1 रूट 61 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, आपका ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए आगे सभी बच्चों को समझ में। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन एक ये टाइप पूछी जाती है, एक टाइप ये पूछी जाएगी आपसे क्या, एक ये पूछा जाएगा कि आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा जैसे हमने लिख दिया 7 7 7 7 और इन्फिनिटी, ठीक है। और इसी को एक बार ऐसे लिख दिया 7 √7 √7 √7 इज इक्वल्स टू क्या होगा। ये चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए, आप पीछे के पेपर चेक कर लीजिए, ठीक है। सारे के सारे आप एग्जाम चेक करोगे तो आपके ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं किसी ना किसी में, जो मैंने चार क्वेश्चन बताए हर बार इनमें से 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब आप ये बता दी √7 √7 √7 √7 इन्फिनिटी है, पिछले में क्या था कि आपके पास यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन था। अगर प्लस या माइनस का साइन नहीं है, अगर क्या नहीं है, प्लस या माइनस का साइन नहीं है तो क्या करेंगे, अगर इस टाइप से क्वेश्चन देके आपको साइन दे दिया जाए लास्ट में इंफिनिटी का तो जो आपको दे रखा है वही आंसर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, साथ ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, साथ ही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास क्या आता है इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे करेंगे, देखिए एक्स की पावर होगी क्या 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n। एक्स क्या होगा, जो ये नंबर दे रखा है ये आपका एक्स होगा और जितने टाइम ये नंबर है वो क्या होगा आपका एन होगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो देखो x कितना होगा आपका, x मैंने बताया जो ये नंबर है वो x होगा तो यहाँ पे कितने 7 है तो x तो क्या होगा 7 की पावर 2 की पावर n। n क्या होगा, जितने टाइम ये नंबर आया, ये नंबर कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार और कितनी बार आया 4 बार। तो आप लिखोगे 2 की पावर 4 माइनस 1 बटे में 2 की पावर 4। अब सोल्व करोगे तो 7, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 15, और ये क्या करोगे 2 की पावर 4 कितना होगा 16, मतलब आंसर कितना आएगा 7 की पावर 15 बटे 16।
ठीक है, दो टाइम ये पढ़ेंगे। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन देके लास्ट में इन्फिनिटी का साइन दे दिया जाए कि इन्फिनिटी तक है, तो जो भी नंबर आपको दे रखा है रूट में आपका वही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इन्फिनिटी का साइन नहीं दे रखा है तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। क्या ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई? ठीक है, हाँ ये आपको पता होना चाहिए। x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 1, ठीक है, तो क्या होगा आपका x की पावर 2 की पावर 1 माइनस 1, तो x तो क्या नंबर होगा जो ये नंबर आपके पास गिवन है, ये तो होगा x होगा, और n क्या होगा जितने भी टाइम्स ये नंबर आपका रिपीट हुआ वो क्या होगा आपका n होगा, तो क्या होगा 7 की पावर 2 की पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n, या ऐसे कर सकते हो जितनी बार आया 2 की पावर 4 होगा 16, ऊपर पावर 1 माइनस करके लिख दो 15 बटे 16, 5 बार आया तो आपको पता है 2 की पावर क्या होगा 32, ऊपर 1 माइनस करके लिख दो 31 बटे 32, ठीक है, ऊपर क्या कर देंगे 1 माइनस करके लिख देंगे तो आप लिखोगे 7 की पावर क्या हो जाएगा आपका 31 बटे में 32, बताइए। देन यहां तक सभी को समझ में आ गया, नेक्स्ट करें, यस वेरी गुड, 7 की पावर 15 बाई 16, बताइए हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक किसी सा क्वेश्चन पीआरटी का ले लेते हैं हम। आपके पास है 225 की पावर 2.5, ठीक है, और आपको दे दिया डिवाइड बाई 225 की पावर x, इक्वल आपको बता दिया कि 225 है, आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी बताइए, आंसर दीजिए, ठीक है आंसर दीजिए बताइए। आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन आएगा टेंशन मतलब सर, हाँ कोई भी आप अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो मैथ्स के ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ट्रिक बता रहा हूँ ये आप किसी में भी काम आएगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप बच्चे जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस देखिए आपका लेवल क्या है, क्या इजी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, इसमें हर तरह के क्वेश्चन क्योंकि अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुई है ये लगा लो। हाँ मैंने गारंटी ली है आज जो रेडियो का ये सेशन देखेगा उसके 110 में से 10 नंबर आएंगे, मतलब 80% और 90% बच्चे के नंबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। देखो इस टाइप की क्वेश्चन में ज्यादा नहीं करना, अभी अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले सर्ट्स एंड डिजिसेस भी क्या होता है, ए की पावर अगर आपने लिख दिया m डिवाइड बाई a की पावर n है तो क्या होगा आपका a की पावर m माइनस n होता है, तो सेम ये रूल आप अप्लाई कर सकते हो, आपने देखा कि ये 225 है यहाँ पे भी 225 है तो यहाँ पे भी 225 है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, यहाँ पे 225 है तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, तो आप इसको लिख सकते हो, देखो ये तो इसको काट भी दोगे तो भी 2.5 माइनस एक्स इक्वल होगा आपका किसके, देन x इक्वल होगा आपका 2.5 माइनस 1, मतलब x की वैल्यू क्या है कि 1.5, सिर्फ आप पावर पावर को सोल्व कर लीजिए, ठीक है पावर पावर को क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे, एक्स 2.5 माइनस 1 तो कितना आएगा आपका 1.5 आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो क्या होगी पावर क्या होगी आपकी माइनस हो जाएंगी, बेस सेम है तो आपकी पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.125 इंटू में 10 रेज टू पावर है के, आपको बताना है कि 0.001125 then find the value of k, k की value क्या होगी बताइए, k की value क्या होगी, k की value क्या होगी जल्दी से बताइए, k की value क्या होगी,
की वैल्यू क्या होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू आप बताइए क्या आएगी? तो के की वैल्यू यहां पे क्या आएगी? माइनस थ्री आएगी। ठीक, सॉरी, के की वैल्यू वन नहीं, आंसर आएगा माइनस थ्री। के की वैल्यू क्या आएगी? माइनस थ्री आएगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। देखो यहाँ पे आपके पास है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 10 रेज टू पावर के है इक्वल आपका 0. यहाँ पे 11.25 कर सकते हो आप, यहाँ पे 3.6 आपकी जीरो आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपको पता है कि ये डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में आएगा तो क्या होगा, 1.125 आएगा। पॉइंट अगर हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएंगे आपकी जीरो, जीरो से जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1125 से 1125, तो आपके पास आएगा 10 रेज टू पावर के इक्वल होगा 1/1000। अब 1/1000 डिवाइड में है तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 रेज टू पावर के इक्वल होगा 10 रेज टू पावर क्या, माइनस थ्री। तो आपको पता है कि के की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस थ्री आएगी। के इक्वल किसके होगा आपका? माइनस थ्री के। के इक्वल क्या होगा आपका? माइनस थ्री के होगा। ठीक है, के की वैल्यू क्या आएगी आपकी? माइनस थ्री। बताइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है 1.08 0.36 एंड 0.9। आपको बताने कि नंबर का एचसीएफ क्या होगा, इन नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा एंड एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा और आपका एलसीएम क्या होगा। बताइए, इन नंबर्स का आपका एचसीएफ क्या होगा एंड एलसीएम क्या होगा। बताइए, 1.08 है, 0.36 एंड 0.9, तो आपको बताने की फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। HCF एंड LCM आपको बताना है, बिल्कुल। जल्दी जल्दी आंसर बताइए, हर कोई आंसर यहां पे दे सकता है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो विद्यार्थी हो। ठीक है, विद्यार्थी हो या किसी का कोई पेरेंट्स हो, बच्चा हो बड़ा हो। हाँ, एक बार थोड़ा अच्छे से लिख के भेजिए, फिर देखेंगे आंसर ठीक है या गलत है। साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख के भेज दीजिए, मैं आपका आंसर देख रहा हूं। फोर गलत है, 5.40 एंड 0.0018 मेरे को एंड 0.9 इज एचसीएफ, 0.9 आपका एचसीएफ 100% गलत है। और इसी के साथ आपके 1 करोड़ रुपए काट लिए जाते हैं, अब आप अपने घर जा सकते हैं। बताइए, आप फोन ऑफ फ्रेंड यूज कर सकते हैं, कोई आपका आपको बेहतरीन मैथमेटिक्स अगर लगता है तो मेरे। बताइए, एलसीएम 540, एचसीएफ 0.9, बताइए। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, चलो मैं करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल नहीं है।
HCF, पहले क्वेश्चन करवाता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ HCF के पॉइंट्स, HCF के काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, वो देखो कभी भी अगर आपको पॉइंट्स के नंबर का HCF निकालना हो हमेशा, तो आप ये देखिए कि पॉइंट्स के बाद मैक्सिमम डिजिट्स कितने, आप ये देखिए पॉइंट्स के बाद मैक्सिमम डिजिट्स कितने, तो पॉइंट्स के बाद आप मैक्सिमम डिजिट्स चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट्स कितने, 2 है, तो आप करोगे तो 1.08 है, 0.36 है, तो आप यहाँ पे कीजिए 0.90। आप ये चेक कीजिए कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट्स कितने हैं, तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट्स कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पॉइंट्स के बाद के डिजिट्स को सेम कर लीजिए, तो आपने पॉइंट्स के बाद के डिजिट्स को सेम किया तो 1.08 आ गया, 0.36 आ गया एंड आपका 0.90 आ गया। अब इसको सिंपल करके लिखें तो आपके पास आएगा 108 डिवाइड बाई क्या आएगा आपका 100, 36 डिवाइड बाई क्या रहेगा आपका 100 एंड 90 डिवाइड बाई पे क्या रहेगा 100। अब अगर आपको HCF बताना है, आपको क्या बताना है, HCF बताना है, ठीक है, आपको अगर HCF बताना है तो आप HCF में देखो, HCF के लिए मैंने आपको बता रखी है कि HCF आप कोई भी सीरीज की अगर बात कर रहे हो HCF निकालने के लिए, HCF कभी भी आपका जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे बड़ा नहीं हो सकता, HCF कभी भी जो भी दो नंबर का डिफरेंस है किन्हीं भी टू नंबर के डिफरेंस से क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा उस डिफरेंस से क्या मिलेगा आपको, छोटा ही मिलेगा, ठीक है। HCF कभी भी आपकी सीरीज का जो भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उससे बड़ा नहीं हो सकता, HCF जो होगा वो कभी भी आपका क्या नहीं हो सकता, जो भी नंबर का डिफरेंस है उनसे क्या नहीं हो सकता आपका, बड़ा नहीं हो सकता। अब आप ये देखिए वो डिफरेंस, आप वो नंबर चेक कीजिए जिन दो नंबर के बीच में डिफरेंस सबसे कम होगा, तो आप ये बताइए 108, 36 एंड 90 ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनके बीच में डिफरेंस सबसे कम है, तो आपके पास है 108 और 90 के बीच में डिफरेंस सबसे कम है, कितने का डिफरेंस आपका 18 का डिफरेंस है, तो आप कह सकते हो कि 18 डिफरेंस हो सकता है। अब 18 डिफरेंस है, 18 HCF हो तो सकता है, आप ये देखिए क्या 18 से जितने भी नंबर है कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, 18 से 108 डिवाइड हो रहा है, 18 से 36 डिवाइड हो रहा है, 18 से आपका 90 डिवाइड हो रहा है, तो 18 से आपका 108 डिवाइड हो रहा है किस पे, 6 पे, ये 2 पे, ये 5 पे हो रहा है, तो आपका LCM कितना आ जाएगा 18 एंड आपको LCM में दिखाई दे रहा है कितना आएगा 100, तो 18 बाई 100 को आप लिख सकते हो 0.18, ये आपका क्या होगा HCF होगा। एंड आप LCM निकालोगे, LCM आप निकालिए किसका, 108, 36 एंड 90 का आप LCM निकालोगे तो आप क्या करोगे, 108 आप मैंने बताया था आपको जो भी आपके पास हाईएस्ट नंबर है उसी नंबर को आप LCM मान लीजिए, हाईएस्ट नंबर आपके पास 108 है तो 108 आपने क्या ले लिया LCM ले लिया। अब देखो 36 तो 108 को कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, 18 5 जा होता है तो 18 तो डिवाइड कर रहे हैं लेकिन 5 डिवाइड नहीं कर रहा, तो 5 के मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपका 100, क्योंकि अच्छी है, तो 108 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या आएगा 540 डिवाइड बाई 100, मतलब क्या आएगा आपका 5.4, 5.4 आपका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा, ठीक है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF इज द हाईएस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई ऑल गिवन नंबर, LCM क्या होता है LCM इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल गिवन नंबर, HCF क्या होता है जितनी भी आपके पास संख्याएं हैं उन सभी को पूरा पूरा भाग करता है, और LCM क्या होता है जितनी भी आपके पास संख्याएं हैं उन सभी से पूरा पूरा भाग होता है, ठीक है। तो ये आपका HCF एंड LCM था, काफी इंपॉर्टेंट है, कभी भी अगर आपके पास पॉइंट के नंबर का HCF पूछा जाए या LCM पूछा जाए तो आप क्या करोगे, सिंपल आप कर ही सकते हो, जो भी आपकी फ्रैक्शन है फ्रैक्शन वाले भी बता देता हूं मैं, देखो जब भी आपके पास पॉइंट्स का पूछा जाए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पॉइंट्स के बाद मैक्सिमम डिजिट्स कितने हैं, तो मैक्सिमम डिजिट्स आप ये देखिए उस सभी को उसके इक्वल कर लीजिए, मतलब 2 है 3 है तो सभी में क्या कर लीजिए डिजिट सेम कर लीजिए, और डिजिट सेम करने के लिए आप क्या लगाओगे लास्ट में 0 लगाओगे। उसके बाद कभी भी अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन दे दी जाए, फ्रैक्शन का अगर आपको HCF निकालना है, मान लो आपके पास दे दिया जाए a बाई b, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन है
बी बाई सी या सी बाई डी, कुछ इस तरह के अगर फ्रैक्शन दे दी जाए आपको, अगर एच सी एफ निकालना है तो एच सी एफ निकालने के लिए आप न्यूमिनेटर का तो हमेशा एच सी एफ निकालोगे एंड डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। और अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप न्यूमिनेटर का एलसीएम निकालोगे एंड डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे, आप एच सी एफ निकालोगे। तो यहाँ पे एच सी एफ निकलेगा किसका, एच सी एफ ऑफ ए बी एंड सी का, एंड एलसीएम निकलेगा बी सी डी का, बी सी डी का। इसमें आपका एलसीएम निकलेगा ए बी सी का, ठीक है, और एच सी एफ निकलेगा आपका बी सी डी का। बी सी डी का क्या निकलेगा आपका, एच सी एफ निकलेगा। एच सी एफ निकालना है तो न्यूमिनेटर का एच सी एफ एंड डिनोमिनेटर का एलसीएम, एलसीएम आपको निकालना है तो न्यूमिनेटर का एलसीएम एंड डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एच सी एफ निकालेंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर आपके पास फ्रैक्शन का नंबर आता है तो आप एच सी एफ एंड एलसीएम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, आपके एक एचसीएफ का ही क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आपका HCF of two numbers is, sorry, product of two numbers is 4725. मतलब क्वेश्चन आपका product of two numbers is 4725, ठीक है, and their LCM is 315. आपसे पूछा गया फाइंड एचसीएफ। क्वेश्चन ये कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो है 4725 और उनका एलसीएम 315 है, तो एचसीएफ क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल आपको बता रखा है 4725 है एंड उनका एलसीएम आपको बता रखा है 315 है, तो आपसे पूछा गया कि उन नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम में, एक ही फॉर्मूला होता है, एचसीएफ इनटू में एलसीएम इक्वल होता है आपका फर्स्ट नंबर इनटू में क्या होगा आपका सेकेंड नंबर। एलसीएम इंटू में फर्स्ट नंबर इंटू में क्या होगा आपका सेकंड नंबर। अब देखो एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। आपको एचसीएफ मिल सकता है, एलसीएम मिल सकता है फर्स्ट नंबर, तो आपसे सेकंड नंबर पूछ लेगा। कई बार आपको क्या होगा कि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको एलसीएम मिल जाएगा, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, एचसीएफ पूछा जाएगा। मतलब कैसे भी करके आपको इनमें से तीन की वैल्यू गिवन मिलेगी तो चौथी वैल्यू पूछी जाएगी। हो सकता है दो की वैल्यू मिले तो क्वेश्चन अलग टाइप में चेंज हो जाएगा, वो मैं अभी आपको करवा देता हूँ, ठीक है। अब आपको देखो बता रखे है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4725, तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आपको बता दिया 4725 है एंड देयर एलसीएम इज 315 और उनका एलसीएम बता रखा है 315 है। आपसे पूछा गया एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ हमने मान लिया क्या होगा, निकालना है एफ एक्स की जगह मान लो कि एचसीएफ ही होगा मान, तो अब आप इसको सोल्व कर दिए 315 से अगर आप 4725 को डिवाइड ही करोगे तो आपका किस पे जाएगा, 15 पे जाएगा। इससे अगर आप इसको काटोगे तो ये किस पे कटेगा, 15 पे, तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 15 आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, एचसीएफ होगा। 15 क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ आ जाएगा, ये आपका आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ऐसे लिखिए, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:12 एंड देयर एचसीएफ इज 15, ठीक है। फाइंड द नंबर तो वो संख्याएं क्या होंगी, फाइंड द नंबर्स ये आएगा, फाइंड द नंबर्स बताइए।
The ratio of two numbers is 7:12 and their HCF is 15. Find the numbers. तो वो संख्याएं क्या होंगी? बताइए जल्दी से कि दो संख्याओं का अनुपात है वो 7:12 है और उनका HCF 15 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी? बताइए. वेरी गुड अंजू. बताइए कितना आंसर आएगा. द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:12 एंड देयर एचसीएफ इज 15. फाइंड द नंबर्स. तो संख्याएं क्या होंगी? 105 और 180. वेरी गुड. देखो एचसीएफ जो होता है ना, बिल्कुल टेंशन मतलब बिल्कुल आराम से बिल्कुल क्वेश्चन को मैं आपको सिंपल करके समझाऊंगा. HCF जो होता है वो नंबर में से कॉमन होता है, ठीक है. HCF क्या होता है? कॉमन नंबर होता है. अब जैसे हम किसी में से कोई नंबर कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा? उनका रेशियो बचेगा. और रेशियो बता दिए कितना है? 7 और 12. अब जो संख्या हमने निकाली है उसको वापिस मल्टीप्लाई कर दो. तो कभी भी अगर आपको रेशियो दे रखा हो और HCF दे रखा हो तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो. 15 7 कितना होगा? 105. और 15 × 12 कितना होगा आपका? 180. तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका क्या आ जाएगा? संख्या आ जाएगी, ठीक है. 7:12 है आपका. तो 15 × अगर आप 7 करोगे तो 105 और 15 × 12 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 180. तो ये आपकी क्या आ गई? संख्याएं आ गई. कभी भी अगर आपको रेशियो दे रखा हो और आपको क्या निकालना हो, संख्याएं निकालनी हो, एचसीएफ दे रखा हो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो. एक मिनट के लिए अगर आपसे पूछ लेता फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, फाइंड द यहां पे क्या लिख देता? एलसीएम पूछ लेता. तो आप क्या करते? तो आप पहले संख्या निकालोगे, 105 और कितना आ गया? 180. अब इन काम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम निकालेंगे तो 105 का और 180 का आप एलसीएम निकालोगे. तो कैसे निकालोगे बताइए? आप करोगे 5 से इसको भाग, 5 से आपका किस पे जाएगा? या 15 से कर देते हैं, 15 7 105, 15 से 12 पे. तो आप 7 से करोगे, 7 × 7 12 आ गया आपका. 12 से करोगे तो 12 × 12, तो 15 7 105, 105 × 12, 105 × 12 तो कितना आएगा? 1260. 1260 क्या जाएगा आपका? एलसीएम आ जाएगा, ठीक है. ऐसे ही करोगे, लेकिन ऐसे नहीं करना है. इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा कि आप एक क्वेश्चन में अगर छोटी सी चीज पूछ रखे उसके पहले संख्या निकालोगे फिर बाद में उसका एलसीएम निकालोगे. आपसे अगर पूछा जाता है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:12 एंड देयर एचसीएफ इज 15, फाइंड द एलसीएम, तो आपको कैसे करना है? देखो संख्या निकालनी आ गई ना सभी को, और ऐसे तो आप निकाल ही सकते हो, संख्या देने के बाद एलसीएम तो सभी निकाल दोगे. आपको कैसे करना है? अगर आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट एलसीएम, और एलसीएम ही पूछा गया था लास्ट टाइम, आप पेपर उठा के देख लेना, कोई भी दो नंबर थे रेशियो दे दिया था, एचसीएम आपसे पूछा गया था कि एलसीएम क्या होगा, ठीक है. एलसीएम ही पूछा गया था आपसे, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना. रेशियो है 7:12 और एचसीएफ है 15, तीनों की गुणा कर दो, तीनों की गुणा कर दो, 1260 आ जाएगा बस, और कुछ नहीं. रेशियो के साथ एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दो, तीनों नंबर की, जो नंबर रेशियो में उनकी और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना? आ जाएगा 1260. यही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है. संख्याएं नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपसे एलसीएम पूछेगा. तो रेशियो की एचसीएफ के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा. और एलसीएम आपका कितना आ गया? 1260 आ जाएगा. और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है. और यहाँ पे संख्याएं दो नहीं, अगर आपके पास तीन संख्याएं, आप कहोगे पेपर में बैठ के कि सर जी ने तो दो बताई थी, तीन दे दिया, है ना. एग्जाम में आप ऐसे याद करोगे मुझे. तो अगर तीन होती है, जैसे 2:3:5 बता दिए, 2:3:5 कितना बता दिए? 5 बता दिए. और आपसे पूछा जाए कि एचसीएफ क्या होगा, तो आप क्या करोगे? सभी की मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6 6 × 5 30, ठीक है. तो आपका क्या आ जाएगा? 30 क्या आ जाएगा? इसकी एलसीएम आ जाएगा. आप ये देखिए, इस 30 को देखो, 2 × 3 6 6 × 5 क्या हो गया? 30 आ गया. 30 इसका क्या हो जाएगा? अगर एचसीएफ है, देखो एचसीएफ क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि 30 × 15 450 आपका इसका आंसर आ जाएगा.
रेशियो के डायरेक्ट क्या करेंगे हम, एलसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम ही पूछा जाएगा, ये भी लिखवा के ले लो आप, ठीक है। आज नहीं आ सकते, कल ले लेना लिखवा के, टेंशन मतलब लोसेंट कोचिंग क्लासेस पे जो बात कह दी वो लिखने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ और बच्चों को पता भी है ना। लिखो एक क्वेश्चन, दो संख्याओं में से, या ऐसे लिखो, इसमें अगर एलसीएम के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो एलसीएम का एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है, ठीक है। एलसीएम का लिखो, रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स, द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स, या हिंदी में लिख लेना, तीन संख्याओं का अनुपात, क्वेश्चन आएगा तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा उनका एलसीएम, उनका एलसीएम 2400 है, उनका एलसीएम 2400 है, तो आपसे पूछा जाएगा इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, बताइए इनका एचसीएफ क्या होगा। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा उनका एलसीएम 2400 है, तो एचसीएफ क्या होगा बताइए, क्या आएगा जल्दी से बताइए। एलसीएम आपको बताना है, सॉरी एचसीएफ बताना है, एचसीएफ क्या आएगा 40 आएगा, ठीक है। एचसीएफ क्या आएगा आपका 40 आएगा, तो देखो कैसे करेंगे, जैसे आपका एचसीएफ कॉमन नंबर होता है वैसे ही एलसीएम क्या होता है, नंबर्स का मल्टीपल होता है, तो आप ऐसे करो 2400 है तो मल्टीपल होता है तो 3×4 = 12, 12×5 = 60, इस 60 से इस 2400 को क्या कर दो, भाग कर दो बस, ठीक है। अगर आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, जो भी आपके पास क्या है एलसीएम है, एलसीएम में क्या करेंगे, जो भी आपको रेशियो है उन सभी की मल्टीप्लाई से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो 2400 को किससे डिवाइड करें, 4×3 = 12, 12×5 = 60, 60 से भाग कर दो, आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, 4×3 = 12, 12×5 = 60, 60 से क्या करेंगे 2400 को भाग कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ निकालना हो तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो, किससे, रेशियो से, जो भी आपको दे रखा हो बस ये काम करना है, एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, ठीक है, कर दोगे या नहीं, हो जाएगा ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन है एक, में 45 के ऊपर बार है तो इज इक्वल्स टू क्या हो, 0.345 में 45 के ऊपर बार है तो इज इक्वल्स टू क्या होगा, बताइए 0.345 में 45 के ऊपर बार है तो इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा, बताइए 0.345 में अगर 45 के ऊपर बार है तो इज इक्वल्स टू क्या होगा,
तो देखो जब भी बार के लिए क्या यूज करते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है समझ लो एक बार जल्दी से। कोई भी अगर नंबर है क्वेश्चन को बाद में करवाता हूं मैं से, जैसे आपने लिख दिया 0.2, 2 के ऊपर बार है इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो इस बार का ही मतलब क्या होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 0.22222 और ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये कहां तक जा रहा है आपका, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो 0.2 के ऊपर क्या होगा आपका, बार आ जाएगा। ठीक है, तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। किसी भी नंबर की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बार का। और जो बार वाले नंबर होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, आपके रैशनल नंबर होते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2/9 लिखेंगे। इस बार को हटाने के लिए 9 का यूज किया जाता है, बार को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, 9 का यूज किया जाता है। बार को हटाने के लिए किसका यूज किया जाएगा, 9 का यूज किया जाएगा। अगर आपके पास आ जाता है 0.621, तीनों के ऊपर बार है तो आप लिखोगे 621 डिवाइड बाई क्या होगा आपका, 999। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 621 के ऊपर बार है तो आप क्या करोगे, 621 डिवाइड बाई 999 कर दोगे, इसको काट दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, जो भी आएगा वो आएगा 3 × 2 = 6 होगा, 0 × 3 = 21 आ जाएगा, 3 × 3 = 3, फिर भी कटेगा ये 9 से। ठीक है, क्योंकि 3 × 3 = 3 = 9 है तो 9 आ जाएगा। तो कभी भी अगर बार आता है तो उस बार को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, हम 9 का यूज करते हैं। आ रहे हैं समझ में, बताइए। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है 3, 4, 5 के ऊपर बार है, मैं 4, 5 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे करें ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DSSB में 2 बार पूछा जा चुका है। तो कैसे करेंगे, 3, 4, 5, अब बार कितने नंबर के ऊपर है, 2 नंबर के ऊपर है, तो 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 ही 9 आएंगे, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 9 भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसके लिए क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जिस नंबर के ऊपर क्या नहीं है, बार नहीं है उसके लिए क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है वो माइनस हो जाएगी, -3, तो क्या होगा, 3, 4, 2 डिवाइड बाई 9, 9 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल हो रहा है किससे, 9 से, तो 9 से कैंसिल हो रहा है तो कैसे करेंगे, 9 से काट दो, 9 से काट देंगे, 9 × 3 = 27, 7 बचेगा, 9 × 8 = 72, 9 से किस पे, 2 से काटेंगे 19 पे, 2 से काटेंगे 55, 19/55 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19/55 क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो बार वाले क्वेश्चन में बार हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, 9 का यूज किया जाता है। जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा उसके डिवाइड में उतनी ही क्या आएंगे आपके, 0 आएंगे। और जिस नंबर के ऊपर बार नहीं होगा वो बार को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 342 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 990, मतलब 95 डिवाइड बाई 55 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, 1/1/2 प्लस में 1/2 × 3 प्लस में 1/3 × 4 प्लस में 1/4 × 5। और आपसे अगर पूछा जाए 1/999 × 1000 दे दीजिए, कोई भी वैल्यू आ सकती है, डरने की जरूरत नहीं है। तो बताइए इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/1/2 प्लस में 1/2 × 3 प्लस में 1/3 × 4 प्लस में 1/4 × 5 और आपके पास है 1/999 × 1000 इज इक्वल्स टू क्या होगा, बताइए। इक्वल्स टू क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं फर्स्ट आंसर किसका आता है, जल्दी जल्दी आंसर दो। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर करते रहना, लाइक करते रहना, कमेंट्स करते रहना। ठीक है, हाँ सभी का पढ़ रहा हूं, 1/1000 आपका आंसर गलत है अंजू, जल्दी से। बताइए क्या आएगा आंसर,
थैंक यू सर। गुड इवनिंग कपिल, कैसे हो? बढ़िया, कैसी चल रही है तैयारी आपकी? 999/1000, वेरी गुड। देखो ध्यान से देख लो, कैसे करेंगे? ज्यादा तो आपको पता है, ज्यादा मुश्किल मेथड तो मैं बताऊंगा ही नहीं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, 1/1, 2, 2, 3, 4, 5, तो यहां से इसका फर्स्ट फैक्टर ले लो, क्या आएगा? 1 by 1 आ जाएगा, 1/1 कह लो, ठीक है। और यहां से इसका लास्ट फैक्टर ले लो, क्या आएगा? 1/1000, और दोनों को माइनस कर दो, तो 1000 + 1000 - 1 कितना आएगा? 999 बटे में कितना आ गया 1000, यही आपका आंसर। बस 999 बटे में क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, ठीक है। यहां से इसका क्या लेंगे? फर्स्ट फैक्टर लेंगे, और यहां से इसका क्या लेंगे? लास्ट फैक्टर लेंगे, और दोनों को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 999 बटे में क्या आ जाएगा आपका? 1000 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1000 लेंगे, आ गया ना समझ में? यहां से इसका फर्स्ट फैक्टर लेंगे, और यहां से इसका क्या लेंगे? लास्ट फैक्टर लेंगे, और दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 999/1000, यही आपका क्या रहेगा? क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अगर आपके पास सीरीज का इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 1 - 1/2, 1 - 1/3 पूछ भी सकता है, 1 - 1/4, 1 - 1/5 और इनफिनिटी नहीं आएगा यहां पे, 1 - 1/100 इज इक्वल्स टू क्या? हेलो मंदीप, कैसे हो? बढ़िया। थैंक यू सो मच। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपसे पूछा गया है 1 - 1/100 तो इज इक्वल्स टू क्या होगा? फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू बताइए, तो क्या आएगा आपके पास? 99/100, ठीक है। देखो क्या होगा, जब भी आपके पास कोई भी सीरीज हो, कैसी भी सीरीज हो, कितने भी डिफरेंस की कैसी भी सीरीज हो, सबसे पहले आपका एक ही काम रहेगा कि उस सीरीज को क्या हम थोड़ा सा सिंपल करके लिख सकते हैं। तो अब ये बताइए, 1 - 1/2 है, माइनस प्लस इनको कैंसिल तो कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब ये बताइए, 2 * 2 - 1 इसको मैं लिख दूं 1/2, 3 * 3 - 1 - 2/3, फिर 4 * 4 - 1 - 3/4, फिर 5 * 5 - 1 - 5/6, ऐसे ही करते जाएंगे, और लास्ट में क्या आएगा आपका? 98/99 होगा, और गुणा में क्या होगा? 99/100, इसी तरह से तो आएगी, कंटिन्यू सीरीज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो सीरीज को सिंपल करके लिख लीजिए, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं करना, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। आप देखो, 2 से 2, 3 से 3 यहाँ पे, 4 से 4 भी आएगा बीच में, ठीक है, 5 से 5 यहाँ पे, 4/5 लिख लेते हैं, फिर 5/ क्या आएगा? 6 आएगा, तो 5 से 5, 6 से 6, 98/99 कट जाएगा, वहां पे क्या आएगा? 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 100 आएगा, 1/ में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, 1/ में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, तो यही आपका क्या रहेगा? आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका 1/100, ठीक है। एक दो बच्चे के आ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल में प्रॉब्लम, चलो एक बार उनको देख लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट, फिर नेक्स्ट टाइप करते हैं। देखो कई बच्चे कह रहे हैं, सर इस टाइप के क्वेश्चन करवाइए, जैसे आपके पास आ गया 3 - 7 - 8 * 2 - 5, और डिविजिबल बाई, इसको डिवाइड करना है आपको 9 से, आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार, कि स्टार की जगह पे क्या आएगा कि ये नंबर पूरा का पूरा 9 से डिवाइड हो जाए। आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, कि अगर संख्या 9 से भाग हो रही है तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा? बताइए स्टार के स्थान पे क्या आएगा? तो देखो डिविजिबिलिटी रूल, कॉपी पेन तैयार कर लीजिए, एक बार मैं बता रहा हूं आपको सभी को, ठीक है, स्टार्टिंग से लगते हैं,
किस नंबर से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं। सबसे पहले अगर हम दो की बात करें तो दो की आप सभी समझदार हो। हाँ क्या आएगा इसका, दो आएगा। तो दो से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं, जिस संख्या का इकाई अंक दो से भाग हो वो संख्या क्या होंगी, दो से भाग हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है तीन। तीन से और नौ से, तीन से और नौ से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं, जिस संख्या के अंकों का योग तीन से और नौ से भाग होता हो, केवल वही संख्या तीन से और नौ से भाग होती है। तो तीन से और नौ से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं, जिस संख्या के अंकों का योग तीन से भी भाग हो और किससे भाग हो, नौ से भाग हो, केवल वही संख्या आपकी किससे भाग हो सकती है, तीन से भाग हो सकती है और किससे भाग हो सकती है, नौ से भाग हो सकती है। ठीक है, अब देखिए अंकों का योग, जैसे मैंने संख्या लिख दी 2, 4, 6, 8। अब मैंने देखा इसके अंकों का योग क्या है, 2 + 4 = 6, 6 और 6 = 12, 12 और 8 = 20। क्या 20 तीन से भाग होता है, नहीं होता। क्या 20 नौ से भाग होता है, नहीं होता। तो ये संख्या भी भाग नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे चेक करोगे, देखो 3 + 7 = 10, 10 + 8 क्या होगा 18, 18 + 2 क्या होगा 20, 20 + 5 क्या होगा 25। क्या 25 भाग होता है नौ से, नहीं होता। 25 के बाद कौन सी संख्या भाग होती है, 25 के बाद कौन सी संख्या भाग होती है 27, 25 के बाद कौन सी संख्या भाग होती है 27 भाग होती है। तो अब आप ये बताइए 25 में क्या ऐड करें कि 27 हो जाए। आप कहोगे कि सर दो ऐड कर दो, तो दो ऐड करेंगे तो ये भाग हो जाएगी, तो आपका आंसर भी कितना हो जाएगा, दो ही हो जाएगा। आपका आंसर भी कितना हो जाएगा, दो ही हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर भी कितना हो जाएगा, दो ही हो जाएगा। 3, 7, 8 * 2, 5 है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि स्टार की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 4 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 4 से केवल वही संख्या भाग होंगी जिसके लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ कोई नंबर डिवाइड होता हो, और आपके बाद 4 के बाद कौन सी संख्या, 5, 5 से आप सभी को पता है कि जिस नंबर का यूनिट डिजिट या तो 0 हो या क्या हो 5 हो, केवल वही नंबर क्या होंगे आपके 5 से डिवाइड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट एक दो अच्छे अच्छे और क्वेश्चन करते हैं। देखो आप ये बताइए क्वेश्चन, आपके पास 300 पेजों वाली, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, 300 पेजों वाली एक पुस्तक की पेजों को गिनने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, बताइए कितने अंकों की आवश्यकता हो। आवश्यकता होगी, एचटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है। 300 पेजों वाली एक पुस्तक के पेजों को गिनने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, बताइए। 300 पेजों वाली एक पुस्तक के पेजों को गिनने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। थैंक यू वर्षा, पूरी स्टाफ की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करता हूं। क्लास में, सेशन में सभी बने रहिए। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लग रही है, तो सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप सभी लाइक करते रहिए एंड शेयर करते रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन क्लास को कर सकें। जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी अगर आपके पास सेशन, नेक्स्ट सेशन आता है, तो आपको पहले से ही पता लग जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है,
सभी टीचर्स का, और कोई भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए सभी टीचर्स के लाइव सेशन आते रहेंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। कोई भी ये नहीं है कि सिर्फ टेट का बच्चा ही, एसएससी, एचएसएससी, दिल्ली पुलिस, हर तरह के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लिंक को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना। बताइए 300 पेजों वाली एक पुस्तक के पेजों को गिनने के लिए। हाँ रजनी का आंसर बिल्कुल राइट है, आंसर आएगा आपका 792। अंजू का भी, उर्वशी का भी, कितना आंसर आएगा 792, 792। तो देखो 300 पेजों वाली एक पुस्तक के पेजों को गिनने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले पेजों को गिनने के लिए कितने पेजों की आवश्यकता होगी ये आपसे पूछा गया, तो 300 पेज है तो अंकों की पूछा गया, कितने अंकों की, आप ये बताइए एक से लेकर नौ तक कितने अंक होते हैं। सभी में एक एक डिजिट आता है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 9 अंक होंगे, मतलब एक अंक आता है टोटल 9 डिजिट हुए, तो टोटल कितने अंक होंगे 9। फिर अगर हम बात करें 10 से लेकर 99 तक, सभी में दो दो अंक यूज होते हैं, 10 से लेकर 99 तक सभी में कितने अंक यूज होते हैं, दो दो अंक यूज होते हैं, तो टोटल आपके नंबर बनेंगे कितने। सभी में दो अंक आते हैं और टोटल 90 नंबर होते हैं, तो आपके 90 दूनी कितने होंगे 180, ठीक है। अब 100 से लेके, अब किससे, 100 से लेके और आपसे पूछा गया 300, तो 300 तक टोटल आपके जो नंबर बनेंगे वो आपके बनेंगे 301, ठीक है। 100 से लेके कहां तक, 300 तक जितने भी आपके टोटल नंबर बनेंगे वो कितने बनेंगे 301, और सभी में तीन तीन अंक आएंगे, जैसे 100 में तीन अंक आ रहे हैं, 101 में तीन, 299 में, 285 में, 250 में, तीन तीन अंक आएंगे, तो तीन गुणा में आप करोगे कितना 201, तो आपका आएगा 603। अब इसको ऐड कर दो, 9 और 3 12, 1 8 और 1 9 6 और 1 7, तो टोटल कितने अंकों की आवश्यकता होगी 792 अंकों की आपको आवश्यकता होगी। टोटल कितने अंकों की आवश्यकता होगी आपको 792 अंकों की आपको क्या होगी आवश्यकता होगी, एक से लेके कहां तक 9 तक आपके 9 अंक होंगे 9 हो गए, 10 से 99 तक आपके 90 होंगे तो 90 दूनी 180 हो गए, 100 से 300 तक 3 गुणा में 201 मतलब कितना होगा आपका 603, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे 792, तो टोटल कितने अंकों की आवश्यकता होगी 792, ठीक है। दोबारा से देख लो, 1 से 9 तक आपको 9 अंक होते हैं क्योंकि 1 में 2 में सभी में एक एक डिजिट आता है और कितने डिजिट होंगे टोटल 9 डिजिट होंगे तो 9 अंक होंगे। फिर 10 से 10, 11, 12, 13, 14 इनमें सभी में दो दो अंक आते हैं और 99 तक टोटल अंक 90 होंगे तो 90 दूनी 180 टोटल नंबर 90 होंगे तो 180। फिर 3 गुणा में 201 कितना होगा 603, तो टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 792, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सुन लीजिए अच्छे से, फिर करिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक छात्र ने किसी पुस्तक का 3/8 भाग एक दिन में, मतलब क्वेश्चन में कह रहे कि एक कोई भी छात्र है वो बुक पढ़ने लगता है, उसने एक बुक का 3/8 भाग एक दिन में पढ़ा है, ठीक है, 3/8 भाग एक दिन में पढ़ा है। फिर ये कह रहे शेष भाग का, जो भी शेष भाग है, शेष भाग का 4/5 भाग उसने दूसरे दिन पढ़ा, एक दिन पढ़ा कितना, एक दिन में उसने पढ़ा 3/8 भाग, शेष जो बुक बची है उसका 4/5 भाग उसने किस दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, ठीक है। और इस तरह से लास्ट में उसके 30 पेज बच भी गए, 30 पेज क्या हो गए बिना पढ़े बचे, 30 पेज बचे। तो आपसे पूछा गया है कि उस बुक में कुल कितने पेज थे। देखो कोई भी स्टूडेंट है वो बुक पढ़ता है, उसने क्या किया एक दिन 3/8 भाग पढ़ा, दूसरे दिन क्या किया 4/5 भाग पढ़ा, किसका जो भी बचा हुआ था उसका, और लास्ट में उसने कितने पेज छोड़ दिए,
30 पेज छोड़ दिए, तो आपसे पूछा गया है कि उस बुक में कुल कितने पेज थे, बताइए उस बुक में कुल कितने पेज थे, बताइए। एक कोई भी है, मान लो आप खुद ये सोचो कि आप कोई भी बुक पढ़ने लगते हो, आपने क्या कि जितने भी पेज हैं उनके 3/8 पढ़ दिए, फिर आपने रख दिया, फिर अगले दिन जो भी बचे हुए पेज थे उसके 4/5 पढ़े, फिर आपने रख दिया, और लास्ट में 30 पेज आपके पास बच भी गए, तो आपको बताना है कि टोटल बुक में कितने पेज थे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को एक्स वगैरह मान के नहीं करना है, ठीक है। हाँ, एक्स को भूल जाओ, ठीक है, कुछ दिन पेपर तक। तो कैसे करेंगे, टोटल मान लो बुक में जितने भी पेज हो, बुक में मान लिया मैंने कि शुरू में मैंने मान लिया कि बुक में 8 पेज थे, ठीक है, 8 में से उसने कितने पेज पढ़ दिए, 3 पेज पढ़ दिए, तो बच कितने गए, 5/8 बच गए, फिर 5/8 का उसने 4/5 पढ़ दिए, तो 5/8 का 4/5 पढ़ दिए, तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा कितना, 2 × 4 = 8 बचेगा या नहीं बचेगा, 2 × 4 और 2 = कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, या 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, फिर 2 बचे, 2 में से 1 पेज पढ़ दिया, तो बस 1 पढ़ दिया, तो बचा कितना, 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, ठीक है। शेष जो भी बचे हुए थे उसमें से कितने पेज पढ़े, उसने 4/5 पेज पढ़े, ठीक है, पहले 8 में से 3 पेज पढ़ दिए, तो बचे कितने, 5/8, फिर उसने पढ़ दिए, फिर कितने बच गए, 4/5, और लास्ट में अगर सोल्व करो देखोगे आपके 30 पेज बचे हुए, अगर 1 की वैल्यू 30 है तो आपकी 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 60 आ जाएगी, 60 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 12, लिखो 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत 12, एवरेज से क्वेश्चन है ये, औसत 12 है, इंग्लिश में मैं बोल देता हूं द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 12, ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 12 है, एक संख्या नहीं मिला ली जाती है, एक संख्या नई ऐड की जाती है, आप लिख लेना नई ऐड की जाती है, एक संख्या नई ऐड की जाती है, तो यह औसत एक कम हो जाता है, एक संख्या नई ऐड की जाती है तो यह औसत क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है, तो आपको बताना है कि सातवीं संख्या क्या है, अगर यह संख्या 6 संख्याओं का औसत 12 है, एक संख्या नई ऐड की जाती है तो औसत क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है, ठीक है, तो आपको बताना है कि जो संख्या ऐड की गई है, मतलब जो सातवीं संख्या है, जो सातवीं संख्या है वो क्या होगी, बताइए, तो सातवीं संख्या क्या होगी, कितना होगा, 5, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, 6 संख्याओं का औसत 12 है, तो आपने लिखा 6 संख्याओं का औसत 12 है, तो अब जो हमारा मेथड है 6 का औसत कितना है, 12, एक संख्या और ऐड की जाती है तो 7 हो गई, ठीक है, औसत एक कम हो गया तो कितना हो गया, 11, 12 से 11 हो गया, एक कम हो गया,
छह से सात हो गया तो एक बढ़ गया, छह एकम छह होगा माइनस का छह, और ग्यारह एकम क्या होगा, ग्यारह मतलब प्लस का ग्यारह, कितना आ जाएगा पांच, और पांच ही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, एवरेज का आप सभी को पता है ये बेस्ट मेथड है, इससे आपको एवरेज निकालने का बेस्ट मेथड कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपने देखा छह संख्याओं का औसत बारह है, एक संख्या और ऐड की जाती है सात हो गई, सात का औसत कितना है ग्यारह है, तो बारह से ग्यारह हो गई मतलब एक कम हो गई, छह से कितनी हो गई सात हो गई तो एक क्या हो गई बढ़ गई, तो 12 से 6 एकम 6 माइनस 6 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, तो कितना आ जाएगा 5, और 5 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर होगा, 5 क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक सप्ताह में सोमवार से बुधवार का औसत तापमान मंडे से, क्वेश्चन लिख लीजिए, मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर बता रखा है क्वेश्चन में 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ट्यूजडे वेडनेसडे एंड थर्सडे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो आपका 34 डिग्री सेल्सियस है, 34 डिग्री सेल्सियस है, और आपको बता रखा है, कह रखा है कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है, थर्सडे का जो टेम्परेचर है, थर्सडे का जो टेम्परेचर है, थर्सडे का टेम्परेचर मंडे का 4/5 है, ये आपको एक कंडीशन बता रखी है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि थर्सडे का टेम्परेचर क्या होगा, थर्सडे का टेम्परेचर क्या होगा बताइए, मंडे ट्यूजडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ट्यूजडे वेडनेसडे एंड थर्सडे का टेम्परेचर है आपका 34 डिग्री सेल्सियस, तो आप बताइए, और कंडीशन दे रखी है कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो मंडे के टेम्परेचर का कितना है 4/5 है, तो आप बताइए थर्सडे का टेम्परेचर क्या होगा, थर्सडे का टेम्परेचर क्या होगा बताइए जल्दी से, थर्सडे का टेम्परेचर क्या होगा, गुड इवनिंग सचिन, जयराम जी की, और बढ़िया कैसे हो, जल्दी से बताइए भाई आंसर क्या आएगा, थर्सडे का टेम्परेचर क्या होगा, देखो कैसे करेंगे, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो एवरेज टेम्परेचर मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का है 37 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का है 34 डिग्री सेल्सियस, तो आप ये बताइए टोटल कितने दिन है, टोटल दिन है तीन, यहाँ पे भी टोटल तीन दिन है, तो दोनों की 3 डेज है तो 3 हम ले लेते हैं। अब आपको पता है कि मंडे का टेम्परेचर और थर्सडे का टेम्परेचर, क्योंकि ट्यूसडे एंड ट्यूसडे तो कॉमन होंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो मंडे एंड थर्सडे की आएगी, कितनी आएगी 37 यहाँ पे है, आपका कितना है यहाँ पे 34 है, तो कितना कम है 3 कम है, और 3 दिन का कम है,
3 डिग्री कम है और 3 दिन का, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा मंडे माइनस थर्सडे कितना आएगा, 9 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, देखो टोटल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज, यहाँ पे 3 डेज, यहाँ पे और 37 और 34 का डिफरेंस भी कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो 3 × 3 क्या होगा आपका, 9 होगा। तो मंडे माइनस थर्सडे कितना आ जाएगा आपका, 9 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि थर्सडे का टेम्परेचर मंडे के टेम्परेचर का 4/5 है, मतलब जो थर्सडे का टेम्परेचर है वो मंडे का कितना है, 4/5 है या नहीं। तो आप ये बताइए थर्सडे डिवाइड बाय मंडे कितना होगा, 4/5। मतलब मंडे का अगर 5 है तो थर्सडे का कितना है, 4 है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, और दोनों का डिफरेंस बता कितना रखा है, 9। दोनों का डिफरेंस है कितना, 1, और दोनों का बता कितना रखा है, 9। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 36 डिग्री सेल्सियस, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थर्सडे और मंडे है, थर्सडे और मंडे का रेशियो क्या होगा आपका, 4:5 होगा। दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आएगा, 1। अगर 1 यूनिट आपकी 9 के इक्वल है तो 4 यूनिट किसके इक्वल होगी, 36 के इक्वल होगी, एंड 5 यूनिट किसके इक्वल होगी, 45 के यूनिट्स के इक्वल होगी। तो 36 एंड 45 आपसे पूछा गया था थर्सडे का टेम्परेचर क्या होगा, तो थर्सडे का टेम्परेचर कितना आएगा, 36 डिग्री सेल्सियस, एंड मंडे का टेम्परेचर कितना आएगा आपका, 45 डिग्री सेल्सियस। दोनों में से जो भी पूछा जाएगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बताइए आगे समझ में हो जाएगा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है आपका पीआरटी में, पीआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपने देखा भी होगा, क्वेश्चन ये आया है कि √2, √6√3, √5 and √3√4, इन तीनों में, इनमें से हाईएस्ट कौन सा है और लीस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, बताइए। रूट टू है आपके पास, 6√3 है, 4√5 है, 3√4 है, इनमें से आपको बताना है कि हाईएस्ट कौन सा होगा और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, बड़ी संख्या कौन सी होगी और छोटी संख्या कौन सी होगी, बताइए। इनमें से आपकी बड़ी संख्या कौन सी होगी और छोटी संख्या कौन सी होगी, अब बताइए। इनमें से आपकी बड़ी संख्या कौन सी होगी और छोटी संख्या कौन सी होगी, जल्दी से बताइए। बताइए √2, क्लास का हिमानी कुछ कंफर्म नहीं है कितने बजे तक होगी, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा यार, खाना खाना है, भूख लग गई, बताइए। बड़ी √6 एंड छोटी √2, √6 नहीं, √2, √6, √3, √4, √5, √3, √5 बड़ी होगी 4√5। देखो कैसे करेंगे, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जो भी ये वैल्यू है इनका एलसीएम ले लीजिए। देखो इस 2 को मैं लिख सकता हूं 2^1/2, एंड इस 3 को मैं लिख सकता हूं 3^1/6, एंड 5 को मैं लिख सकता हूं 1/4, एंड 4 को मैं लिख सकता हूं 1/3। लिख सकते हैं ऐसे, बताइए। 2 को आप लिख सकते हो 1/2, 3 को आप लिख सकते हो 1/6, 5 को आप लिख सकते हो 1/4, एंड 4 को आप क्या लिख सकते हो 1/3। तो यहां पे जो डिनोमिनेटर है
यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है 2, 6, 4, 3, इन सभी का आप एलसीएम बताइए क्या आएगा। 2, 6, 4, 3 का एलसीएम क्या आएगा, 12। 12 आएगा तो सभी को 12 से गुणा कर दो, सभी को 12 से गुणा कर दो, कुछ नहीं करना। देखो आप डायरेक्ट 2 से करोगे 6 पे आ जाएगा, 6 × 2 = 12 होता है, 4 × 3 = 12 होता है, 3 × 4 = 12। अब आपके पास नंबर आ गए 2 की पावर 6, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 4 की पावर 4। अब तो आप इनमें से बता सकते हो कौन सा हाईएस्ट होगा और कौन सा लिस्ट होगा। अब देखो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। और 4 की पावर 4 कितना होता है, 256। तो अब बताइए सबसे बड़ा कौन सा है, ये है, और सबसे छोटा कौन सा है, ये। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, हाईएस्ट तो क्या होगा आपका 3√4, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लिस्ट क्या होगा आपका, लिस्ट होगा आपका 6√3। हाईएस्ट क्या होगा आपका 3√4 एंड लिस्ट क्या होगा आपका 6√3 आ जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट क्या होगा, हाईएस्ट क्या होगा आपका 3√4 एंड लिस्ट क्या होगा आपका 4√6। देखो दोबारा से बता देता हूं, समझ में नहीं आया कुछ बच्चों को। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो आप नंबर है ना इनको आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे जो नंबर है जिसके रूट में कुछ नहीं है, रूट टू है तो इसका मतलब है ये क्या है आपका, रूट टू है तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 इसका मतलब है 3 की पावर 1/6 एंड इसका मतलब आप होगा हो जाएगा 1/4 और इसका हो जाएगा 4 की पावर 1/3। तो 2, 6, 4, 3 इन सभी से कोई ऐसा नंबर लीजिए जो इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो डिवाइड होगा तो 12 से इसको गुणा कर दो, 12 से इसको, 12 से इसको और 12 से इसको, इनको काट दो, 3 × 12 होगा, 4 × 3 = 12 होगा, 6 × 2 = 12 होगा, 2 × 6 = 12। 2 की पावर 6 कितना होता है आपका, 64। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। 4 की पावर 4 कितना होता है आपका, 256। तो हाईएस्ट आपका निकल के आया इससे, लिस्ट आया ये, तो ये होगा आपका हाईएस्ट नंबर और ये क्या होगा आपका लिस्ट नंबर। जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऐसे ही सोल्व करेंगे। जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा उसको कैसे सोल्व करोगे, ऐसे ही सोल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, लिखिए 9:25 का मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा, बताइए। टीजीटी 10 मार्क्स के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, 9 और 25 का, 9 और 25 का, 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा, 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती को बोलते हैं मिडल प्रोपोर्शन, बताइए, ठीक है, मिडल प्रोपोर्शन या सेकंड प्रोपोर्शन, बताइए बताइए। मध्यानुपाती को क्या बोलते हैं, मिडल प्रोपोर्शन या सेकंड प्रोपोर्शन, ठीक है। मंजीत कुमार ये हमारा फर्ज है पढ़ाना, बच्चों का एग्जाम सिर पे है, यानी एचटेट वालों ने तो देखा नहीं, हमें तो देखना पड़ेगा। एचटेट वालों ने तो 1 महीना दे दिया, बोले करो पेपर, ले लेंगे पेपर, हम तो समझते हैं आपका दुख, या नहीं। हाँ बिल्कुल, तो बताइए 9 तथा 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती को बोलते हैं मिडल प्रोपोर्शन या फिर बोलेंगे क्या, सेकंड प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती। बिल्कुल एनटीपीसी में भी पूछे जाएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स तो एक ही है यार, ठीक है, कहीं पे पढ़ लो। 15, वेरी गुड। देखो मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए इंटू में बी, रूट ए इंटू में क्या होगा, बी। तो 9 × 25, 9 × क्या होगा, 25। ए आप इसको मानिए, बी आप इसको मानिए, ए इंटू में बी, तो क्या होगा 9 × 25। 9 किसका स्क्वेयर होता है, 3 का होता है आपका। 25 किसका होता है, 25
तो क्या होगा, 5 तो 3 गुणा में 5 क्या होगा 15। यहां से आप याद रखना, आपके पास एक होता है प्रथमानुपाती, या थोड़ी सी इधर लिखते हैं इसको, ठीक है। एक होता है प्रथमानुपाती, या आप लिख सकते हो फर्स्ट प्रोपोर्शन, एक होता है मिडिल प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन भी इसको बोल सकते हैं, एक होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन, एक होता है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। ये चार है, इन चारों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट प्रोपोर्शन, मिडिल प्रोपोर्शन ये आपका क्या रहेगा, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड क्या रहेगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा आपका प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती निकालने का क्या फॉर्मूला होगा आपका, ए स्क्वायर बाय बी। मिडिल प्रोपोर्शन का होगा रूट ए इंटू में बी, क्या होगा आपका रूट ए इंटू में बी, रूट ए इंटू में बी। एंड थर्ड प्रोपोर्शन का होगा आपका क्या, बी स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर बाय ए। और फोर्थ प्रोपोर्शन का होगा बी इंटू में सी डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पे आपको जो भी नंबर दिए जाएंगे, यहाँ पे जो भी नंबर दिए जाएंगे उनको आप कंटिन्यूटी में ए बी सी काउंट कर लेना, ठीक है। फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा आपका ए स्क्वायर बाय बी, मिडिल प्रोपोर्शन होगा आपका क्या, आपका ए इंटू में बी रूट, थर्ड प्रोपोर्शन होगा आपका बी स्क्वायर बाय ए, एंड फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा आपका बी इंटू में सी। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट इसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पूछेगा कि इसका मध्यानुपाती क्या होगा, थर्ड तृतीय अनुपाती क्या होगा, या फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इसी में थोड़ा सा अगर हम कर दें, इसमें अगर लिख दें, ठीक है, 5, 15 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, अगर कह दे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा बताइए, 5, 15 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। चतुर्थ अनुपाती, तो आपको कुछ नहीं करना, देखो ए मान लोगे, इसको क्या मानोगे ए, इसको क्या मानोगे बी, और इसको क्या मानोगे आप सी। एक को क्या मानोगे ए, एक को क्या मानोगे बी, और एक को क्या मानोगे सी। अब फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू में सी डिवाइडेड बाई ए। तो ए बी इंटू में सी, 15 गुणा में 6 बटे में ए, ए कितना आपका 5, 5 दिए क्या होगा 15, 6 दिए क्या होगा 18, 18 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले आप नोट कर दीजिए, ठीक है, ये चार फॉर्मूले आप रोज इनको नोट कर लीजिए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए रेशियो में, रेशियो निकालने का मेथड क्या होता है, जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा रेशियो में, रेशियो में पूछा जाएगा आपसे ए रेशियो बी, आपको दिया मिलेगा 2:3, बी रेशियो सी आपको दिया मिलेगा 3:5, आपसे पूछा जाएगा ए बी सी का रेशियो क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। हाँ, कई बार इतने छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अगर नहीं भी पूछता तो इन कंसेप्ट का आपको पता होना चाहिए, आगे हम रेशियो के जब 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो उनमें आपका ये अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ए रेशियो बी आपके पास 2:3, बी रेशियो सी आपके पास 3:5, आपसे पूछा गया ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, तो कैसे करेंगे। देखो रेशियो में जिसके सामने जो वैल्यू रखी गई है 2, तो ए के नीचे आप रख दीजिए 2, फिर बी की वैल्यू क्या आपकी 3 है, तो बी के नीचे रख दीजिए आप 3, फिर बी की वैल्यू क्या आपकी 3, तो बी के नीचे रख दीजिए 3, सी की वैल्यू क्या है 5, तो सी के नीचे क्या लिख दीजिए आप 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो एक तो इसका ऐसे एन बनता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने देखा 2 है 3 है और 3 के साथ में ये जगह खाली है, 3 के साथ में ये जगह खाली है, तो यहाँ पे 3 ही पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपने देखा 3 है और 3 के साथ में ये जगह खाली है, तो यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए। अब 2 × 3 क्या होगा 6, 3 × 3 क्या होगा 9, 5 × 3 क्या होगा आपका 15, तो आपका आंसर क्या आएगा 6:9:15,
सिक्स रे, और ये आपको पता है थ्री से कैंसिल हो रहा है, थ्री से कैंसिल होगा तो टू पे कैंसिल होगा, थ्री से थ्री पे, और थ्री से किस पे कैंसिल होगा, फाइव पे, तो आपका क्या आएगा, टू रेज टू थ्री रेज टू फाइव आ जाएगा, टू रेज टू थ्री रेज टू क्या आ जाएगा, फाइव, क्योंकि टू से कंप्लीट सभी डिवाइड होते हैं, ठीक है। रेशियो कभी भी आपका पॉइंट में नहीं होता है, रेशियो कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं होता है, रेशियो कभी भी आपका क्या नहीं होता है, रेशियो जब भी होता है हमेशा आपकी क्या होता है, सिंपल फॉर्म में मिलेगा। रेशियो कभी भी आपका पॉइंट में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, रेशियो हमेशा आपको किस में मिलेगा, सिंपल फॉर्म में मिलेगा। तो आपके पास यहाँ से इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। यहीं पे अगर आपको कह दे कि मान लो आपको दे दिया जाए कि 2a बराबर है 5b बराबर है 7c, आपसे पूछा जाएगा a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, a b c का अनुपात क्या होगा, 2a बराबर है 5b बराबर है 7c, आपसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ a b रेज टू c, ठीक है। इसकी काफी आप आगे टॉपिक करोगे तो उनमें भी आपसे जरूरत पड़ेगी। पूछा गया है 2a बराबर है 5b बराबर है 7c, तो फाइंड द रेशियो ऑफ a b एंड c, तो a b c का अनुपात क्या होगा बताइए। तो देखो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है और इक्वेशन आपको इक्वल में दे रखे और आपको रेशियो निकालना, तो जब भी आपको a की वैल्यू निकालनी है, जब भी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए b एंड c, जब भी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बी एंड सी की, तो 5 इंटू में 7 क्या होगा 35, ठीक है। जब आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई करिए ए और सी की, तो 7 दूनी कितना होगा आपका 14, 7 दूनी कितना होगा 14, और जब आपको वैल्यू निकालनी है सी की तो आप मल्टीप्लाई करिए ए एंड बी की, तो 2 बजे कितना होगा 10, तो 35 अनुपात 14 अनुपात 10 आ जाए, ठीक है। 35 अनुपात 14 अनुपात कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 2a बराबर है 5b बराबर है 7c, तो 2a बराबर 5b बराबर होगा आपका 7c, तो आप कैसे करोगे, देखो a की वैल्यू निकालनी है तो b और c की मल्टीप्लाई होगी, b की वैल्यू निकालनी है तो a और c की मल्टीप्लाई होगी, और अगर आपको c एंड a c की वैल्यू निकालनी है तो आपकी किसकी मल्टीप्लाई होगी, a एंड b की मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा 35 रेज टू 14 रेज टू क्या होगा आपका 10। और अगर क्वेश्चन आपका इस तरह से आ जाए कोई कि a by b, a by 2 इक्वल हो b by 3 इक्वल हो c by 5, और आपसे पूछा जाए a b c का रेशियो क्या होगा, आपसे पूछा जाए a b c का रेशियो क्या होगा, तो कैसे करेंगे, a by 2 इक्वल है b by 3 इक्वल है c by 5, और आपसे पूछा गया है a b c का रेशियो क्या होगा, तो कैसे करेंगे, देखो ऊपर a b c के साथ अगर कोई भी वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट ये दे रखा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा 2 रेज टू 3 रेज टू 5 हो जाएगा, 2 रेज टू 3 रेज टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 रेज टू 3 रेज टू क्या होगा आपका 5 होगा। आगे समझ में बताइए, 2 raise to 3 raise to क्या होगा आपका 5 होगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, जैसे कोई भी नंबर है, अगर हम बात करें आपको कह देगा क्वेश्चन में, मान लो कि 1300 रुपीज है, को ए बी सी एंड डी में डिवाइड किया जाता है, 1300 रुपीज आर डिवाइड अमंगस्ट ए बी सी एंड डी, सच दैट ऑफ वे ए बाई बी इक्वल होगा बी बाई सी इक्वल होगा आपका सी बाई डी, और इक्वल आपको बता देगा किसके है 2 बाई 3 के, आपसे पूछा जाएगा फाइंड द शेयर ऑफ ईच, तो आप बताइए इसमें ए का भाग क्या रहेगा, बी का भाग क्या रहेगा, एंड सी का भाग क्या रहेगा, और डी का भाग क्या रहेगा, बताइए। क्वेश्चन है 1300 रुपीज आर डिवाइडेड अमंगस्ट ए बी सी एंड डी, सच दैट ऑफ वे ए बाई बी इक्वल है बी बाई सी इक्वल है सी बाई डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इज, तो ए बी सी की अलग अलग वैल्यू क्या होगी बताइए। 1300 रुपीज आर डिवाइडेड अमंगस्ट ए बी सी एंड डी, बताइए कि 1300 रुपए को ए बी सी डी में बांटा जाता है, तो आप बताइए वैल्यू इनकी क्या क्या रहेगी, फाइंड द पार्ट ऑफ एच।
बताइए क्या आएगा। एक सौ साठ, दो सौ चालीस, तीन सौ साठ एंड 540। देखिए कैसे आएगा, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैंने अभी अभी आपको बताया, सबसे पहले आपको रेशियो बनाना आना चाहिए। अब ए बी सी डी का रेशियो बनाओगे, अगर ए बी सी डी का रेशियो बनाओगे तो आपको पता है ए बाई बी, ए दो के बराबर है, बी तीन के बराबर है, बी दो के बराबर है तो सी तीन के बराबर है, सी दो के बराबर है तो डी तीन के बराबर। तो आप रेशियो बनाओ, ए कितना आपका दो है, बी कितना आपका तीन, फिर बी कितना आपका दो है तो C कितना आपका तीन, अब C आपका दो है तो D कितना आपका तीन। रेशियो निकालेंगे आप, रेशियो यहाँ पे देखो मैंने बताया था जिसके साथ में जो जगह खाली होगी वो वैल्यू वहीं पे पुट करते चलो। तीन के साथ में जगह खाली है तीन पुट कर दिया, दो के साथ में है तो आपने दो पुट कर दिया, यहाँ पे दो के साथ में दो पुट कर दिया, यहाँ पे दो के साथ में तो क्या पुट कर दिया, दो पुट कर दिया। अब आपने जो वैल्यू पुट की है उनकी सभी की मल्टीप्लाई कर दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ आ गया, तीन दूनी छह, छह दूनी कितना आ गया आपका बारह आ गया, तीन तीन नौ, नौ दूनी कितना आएगा आपका अठारह आ गया, तीन तीन नौ तीन कितना होगा आपका सत्ताईस। तो ये आपका रेशियो आ गया 8:12:18:27। अब 8:12:18:27 में आप किसको डिवाइड करो, 1300 को। आप सभी को पता होना चाहिए कि रेशियो का सम हमेशा टोटल वैल्यू के इक्वल होता है। रेशियो का सम किसके इक्वल होता है, टोटल वैल्यू के इक्वल होता है। अगर आप सम को इक्वल करोगे तो आपके पास आएगा 65। अब 65 इक्वल होगा आपका 1300 के, 1 इक्वल होगा आपका 20 के। 1 की वैल्यू अगर 20 है, 1 यूनिट अगर 20 के इक्वल है तो 8 यूनिट आपकी किसके इक्वल होंगे 160 के, 12 यूनिट्स किसके इक्वल होंगे आपके 240 के, 18 यूनिट्स किसके इक्वल होंगे 30 एंड 27 यूनिट्स किसके इक्वल होंगे आपके 540 के। ठीक है, तो आपका 160, 240, 360 और 540 ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 160, 240, 360 और कितना आएगा 540। तो A की वैल्यू होगी 160, B की वैल्यू होगी 240, C की वैल्यू 360 एंड D की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 540। तो आपको रेशियो का पता होना चाहिए कि रेशियो कैसे डिवाइड होता है, रेशियो पॉइंट में नहीं होता है, रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है। अगर फ्रैक्शन में आपके पास रेशियो आ भी जाता है तो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में अगर रेशियो आ जाता है सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो आपके पास आएगा, जैसे मैं कहूं कि कोई भी नंबर है, जैसे मैं कह दूं 2/3 है, 3/4 है एंड 5/6 है और 7/8, ये आपके पास रेशियो बता दी, ये आपके पास चार नंबर है और चारों के चारों किसमें बता दिया, रेशियो में बता दिया। तो आपको पता होना चाहिए, अब क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि कोई भी अमाउंट मान लो ₹100 आर डिवाइडेड अमंगस्ट A, B, C and D such that of weight 2/3 raised to 3/4 raised to 5/6 raised to 7/8। मतलब X रुपए को A, B, C, D में बांटा गया है, A, B, C, D का अनुपात है 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6 अनुपात 7/8। तो आप ये बताइए, डायरेक्ट तो इनको बांट ही नहीं सकते, क्या कोई भी अगर नंबर ऐसा है जिनको आप डायरेक्ट ऐसे रेशियो में डिवाइड कर दोगे, बताओ है कोई भी नंबर नहीं है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले अगर आपके पास कोई रेशियो है तो उस रेशियो को आप सिंपल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। बदलोगे तो आप कैसे बदलोगे, देखो बदलने के लिए एलसीएम लेके करने के कई मेथड है। आप डायरेक्ट ऐसे करिए, आप ये बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो 3, 4, 6 और 8 से डिवाइड होता हो, बताओ जल्दी से रिप्लाई दो, ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो, कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर होगा बताइए,
ऐसा कौन सा नंबर है जो 3, 4, 6 और 8 सभी से डिवाइड होगा, मतलब आपको पता लग गया कि ऐसा कौन सा नंबर होगा 24, तो सभी को 24 से मल्टीप्लाई कर दो। सभी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई, 3 से 8 पे, 4 से 6 पे, 6 से 4 पे और 8 से किस पे, 3 पे। अब देखो 8 दो 16, 6 तीन 18, 5 चौके 20 और 7 तिया 21, रेशियो कितना आ गया 16:18:20:21, ये आपका क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। अब जो भी अमाउंट बांटना है वो इन सभी में बांट दो। बांटने के लिए आपको पता है कि रेशियो का सम टोटल वैल्यू के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। टोटल वैल्यू किसके इक्वल होती है आपकी, टोटल वैल्यू का सम हमेशा किसके होता है, रेशियो के सम के इक्वल है, जिससे आपको मल्टीप्लाई करनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे 1 यूनिट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए, ठीक है। अच्छा चलो करवा देता हूँ ये क्वेश्चन भी। देखो भाई एक बार एक दो बच्चों के डाउट आए कि सर ये क्वेश्चन पेपर में है, हाँ पता है वो, वैसे मैं करवा भी देता। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ऐसे ही आपको दे रखा है कि 10 का स्क्वायर इक्वल में क्या आएगा, बताइए सर, ठीक है। हाँ जी बताइए, आपको दे रखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और ऐसे ही आपका 10 तक का स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू, इस नंबर की वैल्यू क्या होगी बताइए। 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आपका इस तरह से 10 तक के स्क्वायर, तो आप बताइए आंसर क्या आएगा। टेंशन मतलब मैसेज नहीं पढ़ रहा, तुम्हारे ही डाउट्स पढ़ रहा हूं मैं। हाँ कहिए, सोचो सर तो चैटिंग में लग गए। बताओ क्या आएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है एन इंटू में एन प्लस वन इंटू में टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, ये आपका 1 to एन नंबर के स्क्वायर का फॉर्मूला है, और एन इक्वल होगा आपका लास्ट नंबर के, एन इक्वल किसके होगा आपका लास्ट नंबर, 1 to n नंबर के स्क्वायर के सम का फॉर्मूला है, वेयर एन इक्वल होगा आपका किसके, लास्ट नंबर के। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आपको 10 तक दे रखा है, तो आप सॉल्व करोगे तो इसको क्या आएगा, n की जगह पे आप 10 पुट करोगे, 10 प्लस 1 क्या होगा आपका 11 होगा, इंटू में 10 इंटू में 2 क्या होगा 20, 20 प्लस में 1 क्या होगा आपका 21 होगा, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 3 6 2 5 10, 3 से सोल्व करेंगे, 3 7 21, तो आप बताइए कितना आएगा आंसर, आएगा आपका 385, आंसर कितना आ जाएगा आपका 385। संजय कुमार 165, इससे ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं आई संजय आपकी, है 11 गुणा में 7 कितना होगा 77, 77 गुणा में 5 होता है आपका 385, ठीक है, कितना होगा आपका 385। तो देखो आपसे ये क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूले पूछे जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। आप पेपर को चेक कर लेना, मिलेंगे 101%, और मैंने तो चेक कर ही, तभी मैं 100% की गारंटी दे रहा हूं। तीन फॉर्मूले पूछे जाएंगे, 1 to n नंबर के सम का फॉर्मूला भी पूछा जाएगा, 1 to n नंबर तक, ठीक है। क्या होता है n इंटू में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2, उसके बाद 1 to n नंबर के स्क्वायर का भी पूछा जाएगा, जो अभी अभी मैंने लिखवाया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या होगा n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका 6, और 1 to n नंबर के
क्यूब का फॉर्मूला भी पूछा जाएगा, एन इंटू में एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर ये भी पूछा जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले आपके एग्जाम में आ रखे हैं, मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके पेपर में, यहाँ पे जैसे हम कर रहे थे ना, यहाँ पे 10 की जगह पे एन लिख देगा और चार ऑप्शन बता देगा, 10 की जगह पे क्या लिख देगा, एन लिख देगा, आपको बताएगा वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर थ्री स्क्वेयर और एन तक का स्क्वेयर है इज इक्वल्स टू क्या होगा, और चार ऑप्शन दे देगा। तो ये तीनों फॉर्मूले तो आपको रटे हुए होने चाहिए। वन टू एन नंबर का फॉर्मूला होगा एन इंटू में एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, वन टू एन नंबर के स्क्वेयर का फॉर्मूला होगा एन इंटू में एन प्लस वन डिवाइडेड बाई इंटू में टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, एंड वन टू एन नंबर के क्यूब का फॉर्मूला आपका होगा एन इंटू में एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का क्या आएगा, आपका होल स्क्वेयर आएगा। ठीक है, बताइए समझ में आ रहे या नहीं आ रहा, जल्दी से एक बार बता दीजिए, जग रहे हो, सो गए, क्या कर रहे हो, कहीं तुम रजाई ओढ़ के सो गए और मैं यहाँ पे बोलता रहूं, हैं? बताओ, खाना वाना खा के तैयार हो गए? अच्छा ठीक है, और सर से पूछा भी नहीं, अकेले अकेले खा लिए हैं, सही है, ऐसा ही जमाना आजकल है ना, या गलत कह रहा हूं, एक बार भी किसी ने ये नहीं पूछा सर खाना खा लो, हाँ तुम क्यों पूछोगे भाई। ठीक है, लिखो क्वेश्चन है, लिखो भाई क्वेश्चन आपका, P इक्वल है 6Q, P इक्वल है 6Q, तो आपसे पूछा गया है Q P से, Q P से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, पीजीटी इकोनॉमिक्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 10 नंबर में पीजीटी इकोनॉमिक्स में। हाँ समझ तो आ रहा है, एग्जाम के बाद पार्टी ले लेना, हाँ पार्टी, तुम पार्टी का नाम लेके बुढ़ाए रहो, पार्टी तुम्हें देनी नहीं है ना, एग्जाम के बाद तो तुम पूछने भी नहीं आओगे, बताने भी नहीं आओगे कि सर आपने वो क्वेश्चन करवाया था, आया या नहीं आया। अच्छा ठीक है भाई, हाँ आप सभी की चाहती मैडम भंडारा लगाने की कह रहे हैं सिलेक्शन के बाद, है ना मैडम, न्यू रेलवे रोड पे भंडारा लगेगा बहुत ही जल्दी। बताइए क्वेश्चन है P इक्वल है 6Q के, तो Q P से कितने प्रतिशत कम है, बताइए P इक्वल है 6Q, Q P से कितने प्रतिशत कम है, तिरासी सही, 1/3%। हाँ भाई थोड़े से अब तैयार हो जाओ, ठीक है, चाय वाय पी के फ्रेश हो जाओ, खाना खाए तो दोबारा खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बढ़िया से। देख लो मैडम को भी आप ही अच्छे लग रहे हो, सर पढ़ाते हुए अच्छे नहीं लग रहे, है ना मैम, बच्चे बच्चे बस पढ़ते हुए ये नहीं कह रहे कि सर आप इतनी लगन से पढ़ा रहे हो, आप भी अच्छे लग रहे हो। P इक्वल है 6Q इक्वल होगा आपका किसके, Q इक्वल है क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है, तो बताइए तो देखो कैसे करेंगे, P बाई क्यू क्या होगा, देखो P इक्वल है 6Q के, तो Q यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आके क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6/1 आ जाएगा,
तो 6 बाई क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, p आपका 6 हो गया, q कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। p आपका कितना हो गया 6 हो गया, q आपका कितना हो गया 1, आपसे पूछा गया है q p से कितने प्रतिशत कम है, तो आप ये बताइए q कितना है 1 है, q कितना है 1 है, p कितना है 6 है, कितना कम है 5 कम है, किससे कम है, किससे कम है 6 से, और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100 होगा, 2 3 6 होगा, 2 से 50 पे, 50 पंजे कितना होता है आपको पता है 250, और 250 बटे में 3 कितना होता है 83 सही 1/3%, ठीक है। पी क्यू से कितने परसेंट है, पी इक्वल है आपका 6 क्यू के, तो पी बाई क्यू इक्वल होगा आपका 6/1, ठीक है। क्यू कितने परसेंट कम है, तो आपको पता है पी 6 है क्यू 1 है, तो कितना कम है 5 कम है, किससे कम है 6 से है, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, तो 250/3 कितना आएगा आपका 80, 1/3% आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 83 1/3%। ठीक है, थैंक यू मैम। चलो अब देखिए, आ गया ना समझ में क्वेश्चन, तो बताइए परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, इस परसेंटेज के साइन की वैल्यू क्या होती है, कई टीचर परसेंटेज तो पढ़ा देते हैं लेकिन साइन की वैल्यू पता नहीं होती, बताइए परसेंटेज का जो साइन होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, वन बाई हंड्रेड, हाँ हंड्रेड पूजा वो उर्वशी हंड्रेड गुंजन 1/100, तो परसेंटेज के साइन की वैल्यू आपकी कितनी होगी 1/100, वेरी गुड, कितनी होगी 1/100। तो देखो छोटा सा कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे अर्थमेटिक की जान होता है आपका परसेंटेज, ठीक है। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको तो पता भी होगा, जब भी मैं परसेंटेज पढ़ाता हूं तो बिल्कुल आराम से बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज पढ़ा रहा हूं, और अब भी आपको पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, जो नहीं भी पढ़े हैं ठीक है, समाज सेवा में भी पूरा पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद देखो परसेंटेज का यूज हर टॉपिक में होगा, आगे आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आप टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जो भी टॉपिक करोगे आप, एलिगेशन मिक्सचर, सभी में परसेंटेज का यूज होगा, तो परसेंटेज का इक्वल होगा आपका किसके 1/100 के, ठीक है। तो देखो कभी भी अगर आपके परसेंटेज का साइन आता है वहां पे, आप अगर इस साइन को आपको हटाना चाहते हो, मतलब ये साइन आपको अच्छा नहीं लगता है, तो इस साइन की जगह पे आप 1/100 लिख दे सकते हो, और आपका परसेंटेज का साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिख दूं कि मेरे पास है 3/5% और मेरे को इसको नंबर में चेंज करना है, तो कैसे करूंगा, तो मैं करूंगा 3/5 है, इसका परसेंटेज हटाना है, तो मैं 3/5 को परसेंटेज हटाने के लिए क्या करूंगा 100 लगा सकता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 25%, तो इस परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा 25 × 1/100 क्या लिख दूंगा 100 लिख दूंगा, ये साइन हट जाएगा, ठीक है। 25 × 25 25 चौकी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 25 × 25 25 चौकी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ज्यादा अगर पसंद करते हो साइन को तो लगाने के लिए, कोई भी अगर नंबर है जैसे मैंने लिख दिया 2/5 है, आपको इसको परसेंटेज में बदलना है, तो बदलने के लिए इसके क्या कर दो गुणा में 100 कर दो, तो 5 से कटेगा 20 पे, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40% आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ जो परसेंटेज की वैल्यू होती है वो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, जैसे हम 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 16 से 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है, 25% 1/4 होती है, 66 से 2/3% आपका कितना होता है 2/3 होता है, 12.5% कितना होता है 1/8, तो ये वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो भी परसेंटेज का खेल शुरू हो चुका है, अब परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे हम बिल्कुल आसान मेथड से क्वेश्चन को निकालेंगे, एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है मैं वैसे ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो याददाश्त है, ठीक है। क्वेश्चन है किसी संख्या को 12 से 1/2% कम करने पर 840 प्राप्त होता है, तो संख्या बतानी, तो संख्या क्या होगी,
क्या होगी? ठीक है, कोई भी नंबर है उसको अगर 12.5% कम करते हैं तो कितना प्राप्त होता है आपको? 840 प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि वो संख्या क्या होगी, बताइए। किसी संख्या को 12.5% कम करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 840 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या होगी? बताइए। ठीक है, कितना आएगा? 960। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 12.5% आपको पता होना चाहिए। 12.5% किसके बराबर होता है? 12.5% होता है 1/8 के बराबर। ठीक है, कैसे सोल्व किया है? जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो देख लो। 12.5% अगर आप सोल्व कर रहे हो, 12.5% अगर आप सोल्व कर रहे हो तो आप ऐसे सोल्व करोगे, 12 × 2 = 24 और 1 = 25। 25/2 हो गया। प्रतिशत हटाने के लिए 1/100 का यूज करते हैं। 25 × 1 = 25, 25 × 2 = 100 कितना होगा आपका? 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो 12.5% की फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए किसके बराबर होती है? 1। मैं बताता हूं हमेशा हर स्टूडेंट को कि जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है वो आपका ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर होता है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर वो कैसे भी हो सकता है। जैसे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट में पूरा खेल प्रिंसिपल का रहता है, क्योंकि जब तक आप किसी से पैसे लोगे तब नहीं तब तक क्या दोगे? ब्याज लगेगा नहीं। तो जब सिंपल इंटरेस्ट की बात आती है तो मैं इसको जो डिनोमिनेटर होता है इसको क्या मानते हैं? प्रिंसिपल मानते हैं। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में डिनोमिनेटर को प्रिंसिपल मानते हैं। प्रॉफिट लॉस करते हैं तो डिनोमिनेटर को क्या मानते हैं आपका? सीपी मानते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के बिना क्या नहीं होता है। या तो कॉस्ट प्राइस मानेंगे, अगर आपकी अंकित मूल्य की बात कर रहे हैं तो इसको क्या मान लेंगे? मार्केट प्राइस मान लेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस के बिना डिस्काउंट नहीं होगा और कॉस्ट प्राइस के बिना आपका क्या नहीं हो सकता? प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। ठीक है, जब हम इसमें एलिगेशन पढ़ेंगे तो डिनोमिनेटर को टोटल सोल्यूशन मान लेंगे। तो आपको मान लिया कि ओरिजिनल वैल्यू 8 थी। अब ये कह रहे कि देखो 25% अगर मैं लिख दिया 1/4 होता है तो इसका मतलब होगा कि ये जो एक है ना ये इस चार का 25% है। ये जो एक है ये इस चार का कितना है? 25% है। अगर इसमें वृद्धि करनी है तो इसको ऐड कर दो, मतलब नंबर को 25% इंक्रीज करना है तो मैं कह दूंगा कि मेरे पास कोई भी नंबर 4 था, मैंने उसको 1 से बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कम करना है तो माइनस कर दो। तो अब ऐसे ही है, मैंने संख्या मान ली मेरी 8 है, 12.5% कम करना है तो 8 का 12.5% 1 है। अब संख्या अगर 8 है उसको 1 कम करना है तो वो कितनी बच जाएगी? 7। और बची हुई संख्या बता कितनी रखी है? 840। जब 8 संख्या है 1 कम कर दी तो कितनी बच जाएगी? 7। और बची हुई बता कितनी रखी है? 840। तो आपको पता है कि 7 बराबर अगर 840 के होगा तो 1 बराबर किसके होगा? 120 के होगा। अगर 1 की वैल्यू 120 है तो 8 की वैल्यू क्या होगी? 960। तो आंसर आपका कितना आएगा? 960। ठीक है, वृद्धि करनी हो तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और कमी करनी हो तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो संख्या हमारी कितनी है? 8। 8 में अगर 1 की वृद्धि करेंगे तो 8 में 1 की वृद्धि होगी तो प्लस कर देंगे, कमी होगी तो क्या होगा? माइनस। तो संख्या हमारी 8 है, 8 में 1 की कमी कर दी, कितनी हो जाएगी? 7। और 7 की वैल्यू कितनी? 840। अगर 7 बराबर 840 के है तो 1 बराबर किसके होगा? 120 के। 1 की वैल्यू अगर 120 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 960। तो आपका आंसर कितना आएगा? 960। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई, लिखिए किसी भिन्न के अंश में। क्वेश्चन है किसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट कर लेना। किसी भिन्न के, भिन्न होती है फ्रैक्शन, किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 140% वृद्धि करने पर, तथा हर में, 150% कमी करने पर,
करने पर प्राप्त भिन्न, प्राप्त भिन्न चार बटे पंद्रह है, प्राप्त भिन्न चार बटे पंद्रह है। तो प्रारंभिक, ठीक है, हिंदी थोड़ी लिखने में गलती हो जाए तो आप समझ जाना क्योंकि मैं मैथ का मास्टर हूं, हिंदी का नहीं हूं। तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगी, ठीक है, भिन्न क्या होगी बताइए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में दो बार पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 140% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 150% देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 150, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, ठीक है, ये हिंदी में होगा। किसी भिन्न के अंश में 140% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/15 है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगी, ठीक है। दोबारा से इंग्लिश में मैं बता देता हूं, If the numerator of a fraction is increased by 140% and denominator is increased by 150%, then the resultant fraction is 4/15. हाँ, English में बता रहा हूँ, लिखो। If the numerator of a fraction is increased by 140% and its denominator is increased by 150%, then the resultant fraction is 4/15. Find the original fraction. ठीक है, तो बताइए, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो वास्तविक भिन्न क्या होगा। बोर तो नहीं हो रहे हो, एक बार बता दो जल्दी से, मजा आ रहा है पढ़ने में, कैसा चल रहा है सेशन? बोर हो गए हो तो दो मिनट बात कर लेते हैं। ऑप्शन नहीं अंजू, बताइए। चलो बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है, फिर तो चलने देते हैं, है ना। ठीक है, निशांत कहां घूमो आज? चलो ठीक है, बता रहे, बताओ, देखो कैसे करेंगे। देखो फ्रैक्शन है, ये कह रहे हैं कि किसी भी भिन्न के, अब आपको पता है फ्रैक्शन तो क्या होती है, एक्स वाई वाई होती है, कोई भी फ्रैक्शन क्या होगा, उसमें न्यूमिनेटर होगा एंड डिनोमिनेटर होगा। अब आपको पता है कि कोई भी जो भिन्न है उसके अंश में 140% वृद्धि की गई है और हर में, सॉरी 150% कमी नहीं आएगा भैया, पे हर में 150% वृद्धि आएगा, ठीक है। हाँ, मैंने इंग्लिश में वृद्धि ही बोला होगा, यहाँ पे वृद्धि कर लेना, ठीक है, 150% की वृद्धि की गई है भिन्न के अंश में, तो 140% की वृद्धि की गई है और हर में 150% की वृद्धि की गई है। हाँ, इंक्रीज आएगा, इंक्रीज किया गया 150%, ठीक है, मैंने इंग्लिश में वैसे वृद्धि बोला था, इंक्रीज किया गया, डिक्रीज नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने फ्रैक्शन मान ली x by y, अब आप ये बताइए, जो कोई भी जो नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है, कोई भी जो नंबर होगा वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, 100% होता है। तो आप ये बताइए, 140% इंक्रीज किया गया, तो x अपने आप में 100% है, 140% इंक्रीज किया गया, तो ये कितना होगा, 240 हो जाएगा, 240% हो जाएगा।
ऐसे डिनोमिनेटर को 150% इंक्रीज किया गया है, तो जो डिनोमिनेटर है वो भी अपने आप में 100 होगा। अब 150% इंक्रीज किया गया है तो क्या होगा, 250% हो जाएगा। और जैसे इनको बढ़ाते हैं तो बाद में जो हमें फ्रैक्शन मिलती है वो कितनी मिलती है, 4/15 मिलती है। जैसे हम इनको बढ़ाते हैं बाद में जो आपकी फ्रैक्शन मिलती है वो कितनी मिलती है, 4/15 मिलती है। अब इनको काट दो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, चार एकम चार, चार छिके 24, पांच तीन 15 और पांच पांच क्या होगा 25, तो पांच ऊपर चला जाएगा x by y इक्वल होगा 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आएगा 18, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/18। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लीजिए, एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। किसी भी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की गई है, न्यूमिनेटर को इंक्रीज किया गया 140%, डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया गया 150%, और जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो आपकी कितनी है 4/15। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन आपसे पूछी गई है, तो कितना आएगा आपका आंसर 5/18। दोबारा से बता देता हूँ, 140% इंक्रीज किया गया, इसका मतलब क्या होगा, आपका कोई भी जो नंबर है अपने आप में 100% होता है, चाहे वो न्यूमिनेटर हो चाहे वो डिनोमिनेटर हो, तो 140% अगर इंक्रीज करेंगे 100% वो ऑलरेडी है, कितना हो जाएगा आपका 1240 हो जाएगा। 150% अगर इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 250%, और जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो 4/15 सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 5/18 आ जाएगा। 5/18 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई है। लिखिए क्वेश्चन, पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई, या कोई भी मूल्य है, या आप लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई है, ठीक है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, कि खर्च न बढ़े, न घटे, या खर्च अपरिवर्तित रहे, आप ऐसे लिख सकते हो कि खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई, मतलब कोई भी आर्टिकल जो है उसका जो प्राइस है वो 20% क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, तो आपसे पूछा गया कि उसकी कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी करें, मतलब उसकी कंजप्शन को कितने परसेंट रिड्यूस करना होगा, कि जो भी है उसका एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाए, ना तो बढ़े और ना ही कम रहे, ना तो बढ़े और ना ही घटे, बताइए। कोई भी वस्तु है उसके मूल्य में वृद्धि की गई है 25% प्राइस को इंक्रीज किया गया है, तो उसके जो भी कंजप्शन है उसमें कितने परसेंट को रिड्यूस करना होगा कंजप्शन को, कि जो उसका खर्चा है वो ना तो घटे और ना ही बढ़े, मतलब एक्सपेंडिचर क्या रहे आपका, नॉट चेंजेबल रहे। एक्सपेंडिचर क्या रहे आपका,
नॉट चेंजेबल, नए तो खर्चे में वृद्धि हो और नए ही खर्चे में क्या होगी, कमी होगी। क्या आएगा बताइए, तो देखो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, वो रामबाण है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये x इंटू में 100 डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस क्या करना है, x करना है। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आए भी है, ठीक है। x परसेंट, जब भी आपके पास परसेंटेज की एक ही वैल्यू रहती है, आपसे पूछा जाता है इतने परसेंट की कमी होती है, इतने परसेंट की वृद्धि होती है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है कि कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कमी होगी, कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा नहीं आएगा, जब भी परसेंटेज की एक वैल्यू देकर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, इनकम पे भी आ जाएगा आपका इस तरह से कि एक व्यक्ति की इनकम है उसको 20% इंक्रीज कर दिया गया है तो उसकी खपत में कितने परसेंट डिक्रीज करें कि खर्चा न बढ़े न घटे, ठीक है। या कह देगा कि एक ही इनकम है वो 20 से 25% ज्यादा है, एक ही इनकम है वो 20 से कितने परसेंट ज्यादा है, 25% ज्यादा है, तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम होगी। जब भी परसेंटेज की एक ही वैल्यू रहे तो आप इस टाइप का क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो x इनटू में 100, x कितना आपका 25 है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, डिवाइड बाय क्या होगा 100 प्लस, ये देखो वृद्धि हो रही है तो प्लस होगा और कमी हो रही है तो क्या होगा माइनस, 25 पंजे क्या होगा 125, 5 से इसको काट देंगे किस पे जाएगा 20 पे जाएगा, 5 से काटेंगे किस पे जाएगा 20 पे, तो आंसर कितना आ जाएगा 20%। आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की कमी हो रही है। जब भी आपके पास कोई भी परसेंटेज की एक ही वैल्यू दिखे, आपसे पूछा जाए वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है, तो हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन लगा, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे इसको कई मेथड से आप कर सकते हो, फ्रैक्शन बना के फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हो, आप सो मान के कर सकते हो, एक्स मान के कर सकते हो, लेकिन आपका कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और ना ही आपका आंसर कभी गलत आएगा, इसलिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो। क्वेश्चन आ जाएगा कि ए की इनकम बी से इतने परसेंट ज्यादा है, 50% ज्यादा है, तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम होगी, तो भी आप ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। जब भी आपका परसेंटेज का कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। बताओ आगे समझ में, या किसी को डाउट है बताइए जल्दी से, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, आपका एक क्वेश्चन ठीक है, इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आएगा। अब जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि किसी संख्या में 20% वृद्धि करने के बाद पुनः 10% की कमी की जाती है, कि कमी की जाती है, कमी की जाती है, ठीक है। किसी संख्या में लिखना है यहां पे, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद पुनः 10% की कमी की जाती है, तो संख्या में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, आपसे ये पूछा गया। मतलब परसेंटेज की दो वैल्यू अगर आ जाती है, तीन वैल्यू आ जाती है, चार वैल्यू आ जाती है, तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो देखो
अब ये भी मैंने आपको एक वैल्यू के लिए बताया था, जब परसेंटेज की कोई भी एक ही वैल्यू दिखे तो वो फॉर्मूला लगा दो, अगर आपके पास दो तीन चार कितनी भी वैल्यू आ जाए तो आप जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो लगा दो। सबसे पहले 20% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/5 होती है। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, मतलब संख्या पहले 5 थी, 5 में 1 की वृद्धि होगी, कितनी होगी 6। 10% की कमी की बता रहा हूं, तो 10 है, 1 की कमी होगी कितनी हो जाएगी 9, तो 10 पंजे कितना हो गया 50, 9 छक्के कितना हो गया 54, मतलब संख्या जो पहले कितनी थी 50 थी, अब कितनी होगी 54 होगी। कितने की वृद्धि हुई है, 4 की, किसमें हुई है 50 में, गुणा में क्या करेंगे 100, 50 दूनी 100, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8%। परसेंटेज की दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू, पांच वैल्यू, कितनी भी वैल्यू अगर देखे आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, ना तो आपको 100 मानना है, ना आपको x प्लस वाई का कोई फॉर्मूला लगाना है, आप डायरेक्ट ये कंसेप्ट यूज कर लो, इससे इजी मेथड नहीं है, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। देखो 20% को सोल्व किया, 1/5 आ गया, मतलब 5 था कितना हो गया 6 हो गया, 10% है तो 1/ कितना होगा आपका 10 होगा, मतलब 10 थी 1 की कमी होगी, 10% की कमी कह रहे हैं तो कितनी हो जाएगी 9, तो 10 गुणा में 5 कितना हो जाएगा 50, 9 गुणा में 6 कितना, इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, 9 गुणा में 6 कितना होगा 54, 50 से 54 हो गया, कितना बढ़ गया 4, किस पे 50 पे, गुणा में 100, आपका आंसर कितना आ जाएगा 8% आ जाएगा। ठीक है, कभी भी दो तीन चार पांच कितनी भी वैल्यू आपके पास, कोई फॉर्मूला याद मत करो, कोई सॉल्व ट्रिक याद मत करो, भूल जाओगे एग्जाम में, डायरेक्ट एक कंसेप्ट सीख लो, इसके ऊपर आप आधा घंटा प्रैक्टिस कर लो, 100% आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए आ गया समझ में, तो कर लो इस टाइप की क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका 50% सेशन लगभग हो चुका है, इसमें आपको 2 घंटे की और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप जितने टाइप्स मैंने करवा दी, ठीक है, जितने टाइप्स मैंने करवा दी हैं या जो जो टॉपिक से मैंने टाइप करवाई है, आप प्रीवियस ईयर पेपर लेके, प्रैक्टिस सेट लेके या किसी भी बुक से आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, अगर आपके कोई भी डाउट आता है तो उनसे रिलेटेड आप मेरे से पूछिए। ठीक है, और जल्दी ही इसका सेशन हम कंप्लीट करेंगे, तो आज के लिए यही भी क्लास ओवर करते हैं, गुड नाइट सभी को। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करिए इसकी, और अभी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार आप मेरे से पूछ लीजिए, 2 मिनट में आपके साथ ही हूँ, कोई भी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए पहले। ठीक है, किसी को कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो आप प्लीज पूछ लीजिए, मैं भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका कुछ सेशन बचा हुआ है वो नेक्स्ट में कर लेंगे, मेरे को भी लग रहा है 3-4 घंटे हो गए बच्चों को पढ़ते हुए, सभी को थोड़ा काम भी होगा। ठीक है, हाँ, और आप ये बताइए एक बार कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है नहीं है, पढ़ के कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, एक बार जल्दी से आप बता दीजिए रिप्लाई करके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे, आप टेंशन मत लेना कि सर ने इतना करवा दिया पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आपको भी पता है। ठीक है, ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोगों को भी काम है थोड़ा सा, मैं तो आपको पढ़ा दूंगा लेकिन फोन पे मेरे पे बार बार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर नेक्स्ट में करवा दीजिए, मेरे हस्बैंड डांट रहे हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं। ठीक है, हाँ, ग्रेट सेशन, थैंक यू, जय जवान जय किसान जय हिंद। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, आप अपने डाउट इकट्ठे कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी का डाउट है तो आप सेंटर पे विजिट करके पूछ लीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नए टीचर हैं, जो भी मतलब नए टीचर का मतलब नए सब्जेक्ट का जैसी कोई भी सेशन हो तो आपको पहले से ही आपको मिल जाए, पता लग जाए। हाँ बिल्कुल, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, वैसे आप लोग मिलते भी रहते होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, डाउट होता है कोई भी आप मेरे को व्हाट्सअप करके, आप एकेडमी का नंबर है आप डायरेक्ट उस पर व्हाट्सअप करके आप कभी भी किसी भी टाइम डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, ये सेशन आपका जल्दी कंप्लीट होगा, तो आज के लिए यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।